Assalamu alaikum. Welcome to AQ Web TV YouTube channel. इस प्रोग्राम के हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे मंथली ज़ोडियक साइन के बारे में, मंथ ऑफ मई, जिस तरह कि आपको इल्म है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो भी इसी मंथ में शुरू होने जा रहा है. बहुत ही बाबरकत महीना है और हर मुसलमान के ऊपर जैसे कि रोज़े फ़र्ज़ हैं, हर आकिल बालिक के ऊपर जैसे कि रमज़ान फ़र्ज़ हैं, और इसमें की गई इबादत जो हैं उसका डायरेक्टली राबता जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात तक है, क्योंकि रोज़ा जो है अल्लाह ताला का फरमान है कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए रखा जाता है और इसका अजर व सवाब जो है वो भी मैं ही उस इंसान को दूँगा. तो इसके हवाले से हर मुसलमान को ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सूरत हाल में रोज़ा जो है वो किसी भी सूरत में मिस नहीं होना चाहिए, और ना सिर्फ रोज़ा जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर आप रखें बल्कि उसमें जो इबादत का अहतमाम है वो भी भरपूर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रख लेना जो है ये एक तरह की आप कह लें कि भूख और प्यास जो है उसका जबर नहीं होता. ये ना सिर्फ भूख और प्यास का जबर है बल्कि आपके जो दूसरे मोमिनीन बहन भाई हैं उनका एहसास दिलाना, अल्लाह ताला जो है उन लोगों का एहसास आपको दिलाना चाहता है कि जो लोग आम अयाम में भूख और प्यास जो है वो बर्दाश्त करते हैं, और इस भूख और प्यास की जो शिद्दत है इसके साथ साथ आप लोगों को उस प्यास की शिद्दत में करबला के जो प्यासे हमारे जो इमाम शहीद कर दिए गए और मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए और उनकी प्यास की शिद्दत जो है वो आप लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि हम लोगों को इस दीन को और इस इस्लाम को किस तरह अडॉप्ट करके अपनी डे टू डे लाइफ में रखना चाहिए, क्योंकि जो कुर्बानियां जो हैं हमारे आइमा अम्बिया इकराम और इसके अलावा हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जद ने आगे से जो है अपनी जान का नजराना देके जो कुर्बानियां इस दीन को ज़िंदा रखने के लिए दी, उसी दीन को आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए और अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा जो है वो उसको बनाना चाहिए. और ना सिर्फ फ़राइज़ चीज़ें जो हैं उनको आपने पूरा करना है, फ़राइज़ के साथ साथ अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि दो चीज़ें हैं, एक है हकूकुल अल्लाह और एक है हकूकुल इबाद. हकूकुल इबाद जो है उनका डायरेक्टली ताल्लुक है इंसानों से. ये माशरा जो हमारा इस्लामी माशरा है ये किसी ना किसी तौर के ऊपर हमें ये सबक ज़रूर देता है कि आप एक कम्युनिटी की सूरत में अपने दूसरे मुसलमान बहन भाई, और ना सिर्फ मुसलमान बहन भाई बल्कि आपके साथ जो गैर मज़हब के लोग रह रहे हैं, जो अकलियत बरादरी हैं, उनका भी ख्याल जो है वो रखना आपकी किसी ना किसी तौर के ऊपर फ़र्जियत में शामिल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो उसकी माफ़ी जो है वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देता है, लेकिन अगर आपने किसी इंसान का हक मारा और उसका दिल दुखाया तो उसकी माफ़ी जो है वो वही इंसान आपको देगा, अदरवाइज़ रोज़े क़यामत रोज़े महशर जो है आपको इस चीज़ का सवाल और जवाब देना पड़ेगा. इस चीज़ का सबक जो है हमें रोज़ा सिखाता है, और रोज़े के बाद रमज़ान के बाद जो ईद आती है वो ईद असल में उन्हीं मुसलमानों का हक है जो रमज़ानुल मुबारक की इबादत के अलावा जो इसमें आप ज़कात करते हैं, खैरात करते हैं, अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं और उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिस तक उनकी रसाई नहीं है, तो इस हवाले से असल हकदार ईद के वही होते हैं. और अगर ये चीज़ आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपके लिए हर दिन जो है वो अल्लाह ताला ईद का दिन जो है वो रखते गए और आप अपने आप को ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा पुरसकून और पुर इत्मीनान महसूस करेंगे. ये चीज़ जो है अगर आप लोग अडॉप्ट कर लें तो ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ाती प्रॉब्लम्स मसाइल बल्कि स्पेशली आपके जो डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं और एक खाम खाकर डिप्रेशन और नेगेटिविटी जो है आप लोगों के अंदर रहती है, ये चीज़ आपकी ज़ात में से ख़त्म हो जाएगी. और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी जहन की नेगेटिविटी को ख़त्म करें तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही छोटा सा एक और बहुत ही मुजरब सा ये तरीका है जिसको मैं बताते ख़ुद जो है ये अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में. ज़मीन जो है ये अल्लाह ताला ने पैदा की है, तख्लीक की है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए. जैसे कि आपको इल्म है कि आप ज़मीन में बारिश होती है, पानी होता है, या कोई चीज़ आप उसमें जब बोते हैं तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आपको इसका फल देती है. इवन हम लोग जो पानी पीते हैं वो भी ज़मीन की
तमाम तहों में से फिल्टर हो के जब नीचे जाता है तो वेल की सूरत में या उसको आप बोर की सूरत में निकाल के पानी को अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो यही चीज़ जब रमज़ान में स्पेशली तमाम मुसलमान जो हैं ये कोशिश करते हैं कि आम रूटीन में जो लोग नमाज़ें नहीं भी अदा कर रहे तो रमज़ान में नमाज का अहतमाम ज़रूर किया जाए और बाजमात किया जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कोशिश करें कि जब आप सजदा कर रहे हैं, जिस जगह के ऊपर आप सजदा कर रहे हैं, सजदा अगर बजाय के आप जो है जायनमाज के ऊपर करें या किसी कारपेट के ऊपर करें मस्जिद में, आप कोशिश करें कि जिस जगह के ऊपर खुला सहन या फर्श है या डायरेक्टली आपका पेशानी जो है वो ज़मीन के साथ जो है उसकी बिल्कुल रब्त जो है मिल जाए, उस जगह के ऊपर आप सजदा कीजिएगा। क्योंकि आपके माइंड में जितनी नेगेटिविटी है, जितना डिप्रेशन है, जो चीज़ें आपको परेशान या प्रॉब्लम कर रही हैं, जब आप डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर सजदा करेंगे तो ज़मीन में अल्लाह ताला ने ये कुदरत रखी है कि वो आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये चीज़ आप जो है इस रमज़ान में करके देखिएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की उस ज़ात बरकत से कि आप लोगों को भी भरपूर फ़ायदा इस चीज़ का होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ज़ोडिक साइंस के सिलसिले की जानेब जो कि मंथ ऑफ मई के हवाले से है। और इस चीज़ के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि आलमुल गैब जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात है। 100% गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को ही है। और ये चीज़ हम लोग हर दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में दीगर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज़ हम लोग रिपीट करते रहते हैं कि ये जो नॉलेज है इल्म नजूम या इसके अलावा जितने भी दूसरे मख्फी अलूम हैं, तमाम मख्फी अलूम और जितने भी स्पिरिचुअलिज्म की चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की गाइडलाइंस हैं। आप इनसे गाइडलाइन लेके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप खुद अगर उस मसले को हल कर सकते हैं तो फिर आपको इन गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपने आपको अकले कुल ना समझें और आपको चाहिए कि किसी बंदे से आपको कुछ मशवरा चाहिए, आपको अच्छी एडवाइस चाहिए, तो फिर आप अहले इल्म जो लोग हैं उनसे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। और उस गाइडलाइन को भी आपने अल्लाह के ऊपर तवक्कल जो है यकीन कामिल तवक्कल अल्लाह की ज़ात के ऊपर रखते हुए उस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप समझ लें कि ये 100% तौर के ऊपर चीज़ें इसी तरह ही इंप्लीमेंट होती चली जाएंगी और इसका फ़ायदा आपको इसी सूरत में मिलेगा तो फिर तो पूरी दुनिया में जो है वो कोई बंदा परेशान होना ही नहीं चाहिए। उसको इन्हीं चीज़ों को फोकस कर लेना चाहिए और अपनी तमाम तर परेशानियों को पहले से ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो इस चीज़ को एज अ मुस्लिम जो है वो आप लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें जो चीज़ सिखाता है कि तवक्कल हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद हम लोगों को अगर कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स आती है और हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो मसला हमसे हल नहीं हो रहा और हमें कोई अच्छा वे आउट नहीं मिल रहा तो फिर हम किसी अहले इल्म हज़रात जो है उससे पूछें। और इस बारे में भी आप लोगों को देखना चाहिए कि जिस बंदे से आप पूछ रहे हैं उसका नॉलेज कितना है, आया उसका अपना लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उस नॉलेज से उसने अपनी ज़ात को क्या फ़ायदा पहुंचाया है। और इवन अगर वो बंदा किसी मतलब रोड साइड के ऊपर बैठा हुआ है और एक मतलब तोते को लेकर फाल निकाल रहा है, तो जो बंदा जो है अपना रिस्क जो है वो किसी सूरत में बेहतर नहीं कर सकता, तो उस बंदे से आप जाके अपनी किस्मत का हाल पूछें या चाहें कि ये बंदा आपको कोई बेहतर वे आउट दे दे, तो इस सूरत हाल में आप लोगों को चीज़ें जो हैं इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जिस बंदे से पूछ रहे हैं उसका अपना किरदार क्या है, वो आपको किस तरह बेहतर मशवरा दे रहा है। और इस चीज़ को जब आप देख के किसी भी बंदे से हेल्प आउट लेंगे तो फिर आपको यकीनी तौर के ऊपर फ़ायदा होगा। इसी हवाले से जो लोग मायूस हो जाते हैं वो इसी चीज़ से होते हैं कि वो लोग ये नहीं देखते कि हम पूछ किस तरह हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये बंदा जो है जानता है इससे हम पूछ लें, और वो इस चीज़ को मैनेज या जज नहीं कर पाते कि अगर ये बंदा वाकई कुछ जानता होता ये अपने बारे में क्यों ना कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो है वो अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतरी कर लेता। तो इस हवाले से थोड़ा सा अगर चीज़ों को मैनेज करके और तरीके से चलना शुरू करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप अपनी ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ख़ुद से सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपको किसी भी जो है किसी ऐसे बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको मिसगाइड कर दे, मिसलीड कर दे, या आपको किसी भी सूरत में जो है अपने ज़ाती मुफाद की खातिर जो है आपको कुछ मिसगाइड कर दे या आपको मज़ीद और ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ ले जाए, बजाय आपको कि डिप्रेशन से निकाले आपको मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाए कि आप उसके पास एक मसले का हल ले के जो है वो लेने के लिए गए और वो बजाय कि आपको हल दे आपको मज़ीद और ज़्यादा डराना शुरू कर दे सिर्फ अपने किसी ज़ाती मुफाद की खातिर। तो इन
चीज़ों को थोड़ा सा आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं और आपको बेहतर दौर के ऊपर हल जो है इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ज़ोडिक साइंस के सिलसिले की जानिब। तो हमारे पास जो आज का पहला ज़ोडिक साइन है उसकी तरफ चलते हैं। बुर्ज एरिज यानी कि हमल। बुर्ज हमल, ऐसे तमाम अफराद जो कि बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोगों का जो आसमानी काउंसिल का नक्शा चल रहा है स्पेशली मंथ ऑफ मई का, इसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्लानर है जो कि आपका रूलिंग प्लानट है मार्स, जिसको मरीख बोला जाता है, ये मंथ के स्टार्टिंग में जो है रहने जा रहा है आपके जायचे के थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में यहाँ पे ये रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा स्पेशली 16th ऑफ मई तक यहाँ पे रहने की वजह से जो आपके मंथ का जो फर्स्ट हाफ पोर्शन होगा ये ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट आप करेंगे ट्रैवलिंग के ऊपर, अपने अजीज़ों कारिब बहन भाई रिलेशंस, आपके नेबर्स, इसके अलावा आपका ऐसे तमाम चीज़ों के साथ लिंकअप, जो इन लोगों के साथ चीज़ें लिंकअप कर दी हैं, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड हो, चाहे आपके कोई फैमिली इश्यूज़ हैं और अगर आप उनको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं और आप किसी खास मकसद के लिए इवन ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हुई नज़र आएंगी कि इस मंथ में स्पेशली 1 से 16 तक की जो चीज़ें हैं ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। और इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट हजरात जो अपनी आला तलीम के हवाले से कोशा हैं और अपने असातज़ा कराम जो हैं उनकी तरफ से किसी न किसी तौर के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या वो फोकस नहीं कर पा रहे कि उनको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, किस तरफ जो है अपना ट्रैक जो है वो लाइफ का लेके जाना चाहिए स्टडी के हवाले से, तो ये टाइम फ्रेम जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर मैनेज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हाफ है आप लोगों के मंथ का स्पेशली 17th ऑफ मई से लेके 31st ऑफ मई, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट जो है ये मूव करता हुआ नेक्स्ट जो है प्लैनेटरी ज़ोडिक साइंस में चला जाएगा और वो रहेगा आपके जायचे का फोर्थ हाउस। यहां पे ये पोजीशन होने की वजह से ज़्यादा फोकस जो हैं आप रहेंगे अपने खानगी मामलात में, आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी और स्पेशली वालदा के हवाले से जो आपके मामलात हैं स्पेशली उनकी जो हेल्थ है उसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट रहना चाहिए कि अगर उनका कोई भी मेडिकल चेकअप या इवन कोई मौलिस के साथ उनकी अपॉइंटमेंट है और अगर नहीं भी है तो कोई भी हल्की सी भी बीमारी आपको अगर इंडिकेट होती है उनकी डे टू डे लाइफ में तो इसके हवाले से आपको चाहिए कि उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लें, आप उसको जो है किसी न किसी अच्छे मौलिस डॉक्टर जो है उससे ज़रूर कंसनट्रेट करें और चीज़ें जो हैं उनको बेहतर तौर के ऊपर करने के लिए बिल्कुल भी चीज़ों को लाइट नहीं लें, स्पेशली अगर आप चाह रहे हैं अपनी व्हीकल को चेंज करना या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों में, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीज़ों में, या अगर आपका ताल्लुक है प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से किसी चीज़ से, आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं और या इवन आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो ये सारा टाइम फ्रेम जो है आपका 17th ऑफ मई से लेकर 31st ऑफ मई तक का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा और फोकस्ड रहेगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात आपके इस मंथ में जो रहेगी वो ये रहने वाली है कि दो अच्छे और पॉजिटिव प्लैनेट्स, जिसमें सबसे पहले जिसको हम लोग मोहब्बत की देवी भी बोलते हैं वीनस, इसको जो अगर हम लोग देखें तो 1st ऑफ मई से लेके 15th ऑफ मई तक का जो टाइम फ्रेम है वीनस जो है ये रहेगा आपके असेंडेंट के हाउस में, यानी कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में, आपके जहन पे, आपके माइंड पे, जिसकी वजह से आपकी ज़ात जो है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत से भरपूर शाइस्ता लहजा, इसके अलावा आप में दूसरों के लिए पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ करने का जज्बा दूसरों के लिए, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ज़ात में इस टाइम फ्रेम में ज़रूर बढ़ेंगी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी कि आपका जो लहजा है आपका जो रवैया है वो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर दूसरों से सॉर्ट आउट करवा देगा। इसके अलावा दूसरा जो प्लैनेट मैंने आप लोगों को बताया वो आपका फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में रहने वाला है और वो है मरकरी। मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्लैनेट मरकरी है ये फर्स्ट वीक में 1st ऑफ मई से लेके 6th ऑफ मई तक रहेगा आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में और यहाँ पे इसकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन होने की वजह से आपको नित नए आइडियाज आ सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन वे बेहतर हो जाएगा, आपके अल्फाज से दूसरे अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे और इवन ना सिर्फ वो मुतासिर होंगे बल्कि अपने पर्सनल मामलात और अपने प्रैक्टिकल मामलात में आपसे किसी ना किसी तौर के ऊपर जो है वो मशवरा ज़रूर लेंगे। तो इस हवाले से एरीज वालों का ये जो मंथ है बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशगवार भी रहने वाला है और जहाँ पर जो नेगेटिविटीज़ हैं उनका भी जिक्र हम लोग ज़रूर करेंगे, तो इस वजह से आप लोग जो है इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा।
ना सिर्फ हम लोग उन नेगेटिविटीज़ और प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे बल्कि आपको हम बताएंगे उनका हल। जी हाँ बिल्कुल, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो तो इंसान को अपनी ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर पता होती है कि भाई हमारा ये मसला है, असल चीज़ होती है आपको उस मसले का हल देना। तो वो चीज़ हम लोग इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे और कुछ पढ़ने के लिए वज़ाइफ जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे अगर कोई ऐसी खुदा ना खास्ता चीज़ नज़र आती है। तो इस हवाले से हम लोग देखें तो आप लोगों का जो प्लैनेट मार्स है फर्स्ट और सेकंड मई को इसकी अच्छी नज़र बनने जा रही है मरकरी के साथ, और इस नज़र को हम लोग जो है एस्ट्रोलॉजी में तजदीस की नज़र बोलते हैं। और ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है, इस प्लैनेटरी पोजीशंस के हवाले से आपका फास्ट वर्क, रैपिड प्रोग्रेस, इसके अलावा टेक्निकल एडवाइस जो हैं आपको दूसरों से बहुत अच्छी मिलेगी। ना सिर्फ दूसरों से अच्छी मिलेगी बल्कि आपकी अपनी जो तख्लीकी और तकनीकी काबिलियत है उसमें बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपके ऑनेस्टी जो है ऑनेस्टी आती हुई नज़र आएगी कि आप अपने काम के साथ जो है मुखलिस हो जाएंगे, आप अपने रिलेटिव्स, रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स का जो हल्का एहबाब है, इवन आपके जो वर्कर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके इवन कोई बॉसेस हैं, इमीडिएट बॉसेस हैं, या आप के साथ जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ आपका जो ऑनेस्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑनेस्टी बेहतर होने की वजह से चाहे वो काम से हो, चाहे वो रिलेशन से हो, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात से हो, चाहे आपकी अपनी मज़हब के साथ हो, वाबस्तगी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और उसमें जब ईमानदारी का लेवल आएगा तो आप ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करने की पोजिशन में आएंगे। इसके अलावा आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं इस प्लैनेटरी पोजीशन से। और टेक्निकल स्किल्स जब इम्प्रूव होंगे तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी दूसरों की नज़रों में जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मार्स बनाने जा रहा है, ये बनेगी 6th और 7th मई को। ये प्लैनेटरी पोजीशंस आपको थोड़ा सा जो है एहतियात वाली रखेगी कि चीज़ों को आपको थोड़ा सा एहतियात से लेके चलना है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना मोटिवेशन लेवल जो है वो आप हाई रखें और स्पेशली कोशिश करें कि उन लोगों के साथ अपनी जो है मुशावरत या डे टू डे लाइफ का जो मेल मिलाप है उन लोगों के साथ रखें जो आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर अच्छा एडवाइस या इवन मोटिवेट करते हैं। ये प्लैनेटरी पोजीशन बनने जा रही है, मार्स और जुपिटर की मुकाबले की नज़र है और ये जो नज़र होती है ये अपोज करती है। और इसमें मुतवक्का तौर के ऊपर आपको कोई लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको इसके अलावा कोई विरासती इंश्योरेंस क्लेम्स या इसके हवाले से आपके दूसरों के साथ जो क्लैश ऑफ फिलॉसफीज़ हैं या क्लैश ऑफ प्रिंसिपल्स हैं ये आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकते हैं, जिसकी वजह से खाम खा का डिप्रेशन या दूसरे आपकी बात उस हवाले से ना जो है वो मान रहे हों या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों के साथ, इवन आपके अजीज़ो कारे बहन भाई रिलेटिव्स, आपकी अगर शरीके हाथ हैं, आपका कोई शरीके कार है जिसके साथ आप मिलके कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ जब आपका क्लैश ऑफ प्रिंसिपल्स होगा तो उस सूरत में चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी डिप्रेसिंग हो जाएंगी। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको बेहतर करने की ज़रूरत है कि चीज़ों को लाइट लें, दरगुजर कर दें, बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर सवार नहीं करें, अदरवाइज़ आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो भी आने के चांसेस हैं। तो इस हवाले से अपने आपको बहुत ज़्यादा कूल माइंड रखने की ज़रूरत है और चीज़ों को कोशिश करें कि ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर कॉन्फिडेंस में ख़राब नहीं करें, रियलिटी के साथ रहें, चीज़ों को जितना ज़्यादा रियलिस्टिक रखेंगे, जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी उतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपकी अच्छी और खुशगवार रहेंगी। तो इस हवाले से चीज़ें आपको बेहतर रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपकी अगर जो है चीज़ें बेहतर हो जाएँ तो आपके मतवक़ तौर के ऊपर प्रॉब्लम जो हैं लाइफ के ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इस प्रॉब्लम की वजह से या इस नज़र की वजह से जो थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं वो आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप कोशिश करें कि लैक ऑफ ओपिनियन आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको दूसरों के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको आइडिया शेयर करना है, आप बगैर सोचे उनसे उस आइडिया को शेयर करें, आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लैक ऑफ ओपिनियन रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एक्साइटमेंट में आप जो डिसीजंस लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन जो आप लोगों की इस मंथ में बनेगी वो रहेगी 14th और 15th मई को, और ये रहेगी मार्स एंड वीनस तजदीस की नज़र। ये वो नज़र है
जिसमें आप क्रिएटिंग आर्ट, डेकोरेशन और इवन डेकोरेशन जो है वो आपकी चाहे काम से रिलेटेड हो, आपकी कोई असाइनमेंट से रिलेटेड हो, या आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, या इवन अगर जो खतूने खाना है वो घर की तज़ीन और आराइश करना चाह रही हैं, तो उस सूरत में भी आपकी काफ़ी हद तक तवज्जो जो है वो चीज़ों को बेहतर करने में, मेकअप करने में, डेकोरेट करने में चीज़ें जो हैं उस तरफ तवज्जो आपकी ज़्यादा रागिब रहेगी। और ना सिर्फ ये बल्कि आप दूसरों के साथ कोई जॉइंट वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं किसी खास मकासद के तहत, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि दूसरों के साथ मिलके अपने किसी जाती मामलात को बेहतर करने के लिए या कुछ अपनी गोल्स को लाइफ में अचीव करने के लिए आप इस टाइम में जो जॉइंट वेंचर शुरू करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और खुशगवार रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी कि आपकी सेहत जिस्मानी अच्छी होने की वजह से दूसरे जो हैं जो आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी स्पाउस है, या इवन आपके चिल्ड्रन हैं, तो ये तमाम अफराद जो हैं आपकी ज़ात से जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर और मुस्बत रहती हुई नज़र आ रही हैं। और आप जो माजी में कुछ डिप्रेसिंग या अपनी हेल्थ के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, तो इस टाइम के बाद से इंशाल्लाह आप अपने फिज़िकल हेल्थ जो है उसको बेहतर कर सकेंगे। इसके बाद इस मंथ की जो लास्ट प्लैनेटरी पोजिशन आप लोगों के रूलिंग प्लैनेट की बनने जा रही है वो बनेगी 23rd and 24th of May, और ये रहेगी मार्स और यूरेनस तजदीस की नजर। ये भी एक अच्छी नजर है। इस प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से आप फोकस्ड रहेंगे, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी ज़ात को फोकस्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ उभर सकती हैं। आप अपना जो एक सर्कल है, चाहे वो फ्रेंड्स का सर्कल हो, चाहे आपका एक ऑफिस का सर्कल हो, आपका फैमिली या आपके रिलेटिव्स का इवन जो है कोई ना कोई गैदरिंग्स हों, उस चीज़ में आप चीज़ों को लीड कर सकते हैं। चाहे वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़ात के ऊपर आ जाएं, या आप दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स को बेहतर करने की तरफ जो चीज़ें हैं उनको डाइवर्ट कर दें, तो ये चीज़ आपकी ज़ात में रहेगी कि दूसरे आपकी ज़ात से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये चीज़ आपके हवाले से एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसके अलावा आपकी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं ये आपको आते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की पोजिशन में आ सकेंगे। जब आप के आइडियाज़ में जिद्दत रहेगी, एक नयापन रहेगा, एक अछूतापन रहेगा, तो इसकी वजह से चीज़ें आप ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर बेहतर करने की पोजीशन में रहेंगे, और ना सिर्फ बेहतर करेंगे बल्कि दूसरे लोग जो हैं वो आपकी साथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने की वजह से आपका जो इज्जत का ग्राफ है वो अपसाइड जाता हुआ नज़र आएगा। तो इस हवाले से ओवरऑल एरीज वालों के लिए सिर्फ एक प्लैनेटरी पोजीशन जो मैंने पहले बताई थी उसको छोड़ के बाकी तमाम मंथ्स जो हैं आप लोगों के लिए अच्छा और पॉजिटिव रहता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको जो है वो मद्देनज़र इस प्लैनेटरी पोजीशन में भी रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो कुव्वत इरादी है, आपकी जो विल है, ये आयरन विल रहती हुई नज़र आती है, लेकिन आपको सेकेंड ओपिनियन ज़रूर रखना चाहिए। अपने आप को अकलेकुल नहीं समझें। अगर आपने कोई डिसीजन कर लिया है, उसको आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो अपने मुखलिस अहबाब या अपने बुज़ुर्गों के साथ या अपने फादर के साथ जो है आपको उस डिसीजन को ज़रूर शेयर करना चाहिए, उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो चीज़ें इंशाल्लाह आपके हक़ में काफ़ी हद तक अच्छी और खुशगवार रहेंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। टॉरस के हामिल जो अफराद हैं उनके लिए मंथ ऑफ मई बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जो मंथ का स्टार्टिंग फेज है, स्पेशली 1st of May से लेके 15th of May तक, ये जो हाफ पोर्शन है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात वाला है। और इसमें आप लोगों ने करना क्या है, करना आप लोगों ने ये है, क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट वीनस है, वीनस आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट अपने हाउस से 12th house में रहते हुए आप लोगों में सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। आपकी तबीयत में हसासियत बहुत ज़्यादा रहेगी, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है अपने जहन के ऊपर सवार और मुसल्लत कर सकते हैं। ये वही फेज़ है जिसमें आपका लास्ट मंथ एंड हुआ है, जिसमें जिस आपके स्टेट ऑफ माइंड में आपका लास्ट मंथ एंड हो रहा है, उसी स्टेट ऑफ माइंड में आपका ये मंथ का जो
फर्स्ट हाफ है ये गुजरेगा। इस हवाले से आप लोगों को अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि एक तो अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको प्लान आउट करें, अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको पेपर वर्क के ऊपर ले आएँ कि आपने एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज करना है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है एक तो मैनेज करने की ज़रूरत है, इसके अलावा अपनी सोच, अपनी अप्रोच जो है उसको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे आप उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी से अपने आप को ओवरकम कर लेंगे। अदरवाइज़ आप लोग अक्सर औकात जो है लैक कर सकते हैं बेहतर डिसीजंस में। इस चीज़ को आपको बेहतर करने की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा फर्स्ट हाफ में भी अच्छी हो सकेंगी। क्योंकि अभी हम लोग जब बढ़ेंगे प्लैनेटरी पोजीशंस की जानिब तो प्लैनेटरी पोजीशंस जो आप लोगों की एस्पेक्ट्स बन रही हैं प्लैनेट्स की वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। लेकिन जो आपका रूलिंग प्लैनेट जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ अगर आप अपने फर्स्ट हाफ में माइंड में फिक्स कर लें इसको एक कमांड की सूरत में कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने अपनी जो अप्रोच है उसको पॉजिटिव रखना है, ये चीज़ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपके मामलात बेहतर रहेंगे। इसके बाद जो सेकंड हाफ है आप लोगों का इट मींस 16th of May से लेकर 31st of May तक का ये जो टाइम फ्रेम है इसमें आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट जो है ये आ जाएगा अपने असेंडेंट में, यानी कि आप लोगों के फर्स्ट हाउस में। यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, अरूज की हालत में आ जाएगा ये प्लैनेट, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। आप में क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर बेहतर हो जाएगी और जिस डिप्रेशन या जिस सेंसिटिविटी से आप गुजर रहे थे वो यकसर तब्दील होकर पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी की तरफ चली जाएगी। ना सिर्फ आप चीज़ों को बेहतर करने की पोजिशन में नजर आएंगे बल्कि मुस्बत डिसीजंस ले सकेंगे अपने स्पेशली जो पार्टनरशिप के मामले आते हैं, अपनी जो मैरिटल लाइफ है उसको बेहतर करने की तरफ आपकी रगबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके जो कलीग्स के साथ रिलेटेड मामले आते हैं उनको आप बेहतर पोजीशन में लेके आने के इंशाल्लाह अच्छे इकदाम ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा आप लोगों का स्पेशली जो फर्स्ट वीक है वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा एहतियात वाला रहेगा स्पेशली फाइनेंसिस के लिए, क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है आपके फाइनेंस का, आपके जो आमदन का, आपकी जो स्पेशली मामलात आमदन के बढ़ाने का, वो रूलिंग प्लैनेट आप लोगों का 1 मई से लेके 6 मई तक मौजूद रहेगा आपके एक्सपेंसेस के घर में, जिसकी वजह से पहला हफ्ता जो है वो बजाय इसके कि पैसा आए उल्टा पैसा जो है वो जाता हुआ नज़र आता है। तो कोशिश करें फर्स्ट वीक में कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं करें। किसी को उधार देना चाह रहे हैं तो ये माइंड में रख के दीजिएगा कि उसकी वापसी नहीं होगी, ये चीज़ आप लोगों ने फोकस रखनी है पहले हफ्ते में। बाकी प्लैनेटरी पोजिशन हम लोग आपकी अगर हम लोग देखें तो उसके हवाले से कोशिश करें कि आपका जो घर है उस घर में रोज़ाना एक दफ़ा दिन में सूरह बकरा की तिलावत जो है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि नज़रे बद के असरात जो हैं इस पूरे मंथ में आप लोगों के घर के ऊपर रहते हुए नज़र आते हैं। इस चीज़ को भी आपको रखने की ज़रूरत है कि सूरह बकरा जो कि कुरान पाक की दूसरी सूरह है इसकी तिलावत आप सुबह उठ के अगर अपने TV के ऊपर इवन अपने मोबाइल के ऊपर आप इसको चला दें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप लोगों के तमाम महीना जो है इस नज़रे बद के असरात से महफूज रहेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों की प्लैनेटरी पोजिशंस की जानिब। प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स जो आप लोगों की बन रही हैं दूसरे प्लैनेट्स के साथ, रूलिंग प्लैनेट आप लोगों का जो वीनस है 7th और 8th of May को इसकी एक ख़राब नज़र बनेगी सैटर्न के साथ जो कि तरबी की नज़र है। और ये प्लैनेटरी पोजीशंस जो है ये आपका एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रख सकता है कि आप हर चीज़ को किसी ना किसी तौर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की तरफ जब जाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होंगी। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको अपने जो यूज़ ऑफ वर्ड्स हैं और अपना जो एक्शन है दोनों चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों चीज़ों की वजह से आपका डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो सकता है आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके ऐसे दोस्तों के साथ जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटर करें, मैनेज करें तो चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये करें कि आपके जो सोशल मैटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली हैंडल करें, उनको किसी भी तौर के ऊपर इग्नोर नहीं करें, सीरियसली हैंडल करें अपने सोशल मैटर्स को, अपने दूसरों के साथ जो रवाबत हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं अपने दोस्त एवं आपके साथ, उनको बेहतर करने की कोशिश करें सीरियसली, अदरवाइज़ आगे चल के जो हैं चीज़ें प्रॉब्लम में आ सकती हैं।
इसके अलावा जो सेकंड प्लैनेटरी ट्रांजिट आप लोगों की बन रही है वो जाके बनेगी 10th और 11th ऑफ मई को, वीनस और जुपिटर तसलीस की नज़र। ये एक अच्छी नज़र है और इसमें आप बिग प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। आपका ऑलरेडी जो काम चल रहा है उसको बढ़ा सकते हैं, ऑलरेडी आप कुछ करने का सोच रहे हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको इंशाल्लाह मिलती हुई नज़र आएंगी। और ना सिर्फ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बल्कि आप उनको अवेल कर सकते हैं। जब आप उनको अवेल करेंगे तो यकसर तौर के ऊपर आपको अपने कैरियर में जो है इंशाल्लाह पॉजिटिविटी नज़र आएगी। इसके अलावा कोशिश करें कि आपकी जो जनरोसिटी है, आपकी जो फ्रेंडलीनेस है दूसरों की तरफ, ये उसी लेवल की रहे जो आप का इंडिविजुअली तौर के ऊपर मिजाज है, क्योंकि आप दूसरों को जो हेल्प आउट कर रहे हैं उसका इन रिटर्न इंशाल्लाह आपको इन डेज में, इन अयाम में ज़रूर मिलेगा। तो इस हवाले से आपने जो माजी में अच्छे डिसीजंस लिए थे उस पहली वाली प्लानेटरी पोजीशंस के, कि आपने सीरियसली अपने सोशल मैटर्स को हैंडल किया था, उसका फ़ायदा आपको इस टाइम में आके मिलेगा कि आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी दूसरों के साथ जो मामलात हैं, स्पेशली आपका जो हल्का अहबाब है उनके साथ चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको मेंटली तौर के ऊपर एक रिलैक्सेशन भी मिलेगी। और ना सिर्फ रिलैक्सेशन बल्कि उन लोगों से आपको ना सिर्फ जो है अमली तावन मिलेगा बल्कि मुमकिन तौर के ऊपर आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी उनसे मावनत मिलती हुई नज़र आती है। इसके बाद अगली नज़र जो है वो भी सेम इन्हीं डेट्स में बनती हुई नज़र आ रही है 10th और 11th मई को, लेकिन ये नज़र जो है वीनस और प्लूटो तरबी की नज़र है। सेम उसी अच्छी नज़र के साथ ये एक ख़राब नज़र भी है, लेकिन इसका इम्पेक्ट इतना ज़्यादा आपकी लाइफ के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो प्लैनेटरी पोजिशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। जिनसे मुखालिफ का जो फर्द है वो आपके लिए किसी भी तौर के पर इन डेज में फायदेमंद नहीं रहेगा। कोशिश करें कि उसके साथ, चाहे वो आपका कोलीग है या आप उसके साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं या आपके वो सोशली तौर के ऊपर एक्टिव कुछ चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, तो आपका जिनसे मुखालिफ का फर्द किसी भी तौर के ऊपर आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा। आपको उसमें किसी ना किसी तौर के ऊपर जेलसी, आपकी लेग पुलिंग या आपके लिए कुछ ना कुछ बुरे अल्फाज जो हैं वो दूसरों तक कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा केयर रखें कि आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ सुनने को मिलती है तो उसको आप इग्नोर कर दें, कि बजाय उसको आप अपने माइंड के ऊपर सवार करें, इग्नोर कर दें चीज़ों को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा। अगली नज़र जो यहाँ पे प्लैनेट्स की बनने जा रही है वो बनेगी 14th एंड 15th ऑफ मई, ये दो दिन रहेगी कायम और वो रहेगी वीनस और मार्स तसदीस की नज़र। ये एक अच्छी नज़र है और इसमें आप लोग ना सिर्फ क्रिएटिंग आर्ट, डेकोरेशन, चीज़ों को बेहतर करने की तरफ, चीज़ों को जिद्दत की तरफ लेके जाने की तरफ जो किए गए इकदाम हैं उनमें अपनी तवज्जो मबजूल रखेंगे, बल्कि जॉइंट वेंचर्स अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और खुशाइंद रहेंगे कि चीज़ें दूसरों के साथ मिल के करना जो है ये आपको ज़रूर फ़ायदेमंद दिलाएगी। और इसके अलावा कोशिश करें कि आपके जो सेहतमंद इकदाम हैं उनको कंटिन्यू रखें, किसी भी तौर के ऊपर अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस, इसको आप किसी भी तौर के ऊपर लेट डाउन नहीं करें, चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर मैनेज रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रखने की ज़रूरत है। इस टाइम फ्रेम में हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो आप बेहतर तौर के ऊपर चीज़ों को डिलीवर ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी ज़ात से अच्छी और खुशाइंद होती चली जाएंगी। अगर आप खुद नहीं भी चाह रहे होंगे तो दूसरे लोग जो कि आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपसे फोर्सफुली चीज़ें जो हैं वो करवा लेंगे ऐसी, जो कि आपके लिए आगे चल के अच्छी और फ़ायदेमंद रहेंगी। इसके बाद अगली नज़र जो बनने जा रही है वो बनेगी 19th और 20th मई को, और ये रहेगी वीनस और यूरेनस किनान की नज़र। ये प्लैनेटरी पोजीशन जो आप लोगों की बन रही है कि आप यूनिक एक्सप्रेशंस, अपनी सोच जो है मुनफरिद सोच, इसका इजहार कर सकते हैं, और ना सिर्फ इसका इजहार बल्कि आपने जो तखय्युल है उसको अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर प्रैक्टिकली शेप दे सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अच्छी पनपती हुई नज़र आ रही है कि आप अपने तखय्युल को अमली रंग दे सकें, हकीकत का रंग दे सकें, और ना सिर्फ ये चीज़ बल्कि आपका जो इंट्रैक्शन है दूसरों के साथ ये बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मुस्बत और बेहतर हो जाएगा, कि दूसरों के साथ आपके रवाबत, मेल मिलाप,
उनके साथ आपकी चीज़ें जो है उनको शेयर करना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती नज़र आएगी। और इसके अलावा मेंटल क्रिएटिविटी, और ना सिर्फ मेंटल क्रिएटिविटी बल्कि शेयरिंग एक्साइटमेंट, कि आप दूसरों के साथ जो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो आइडियाज़ हों, चाहे वो आपकी कोई प्रोडक्ट्स हों, चाहे आपकी कोई इखलाकी तौर के ऊपर उनकी मदद हो, इन चीज़ों को शेयर करने में आप अपने ज़ात में एक्साइटमेंट फील करेंगे। ये चीज़ आपके लिए एक मोटिवेशन का बाइस बनेगी, और ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर जब आपकी मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा तो आप अपने प्रैक्टिकल मामला जो हैं उनको बेहतर तौर के ऊपर चलाने की काबिलियत जो है उसको भी भरपूर रखेंगे। इसके बाद इस मंथ की जो आप लोगों के रूलिंग प्लैनेट की लास्ट प्लैनेटरी नज़र है वो बनने जा रही है 30th and 31st, यानी कि 30 और 31 मई को, और ये रहेगी वीनस और नेपच्यून तजदीस की नज़र। ये वो नज़र है जिसमें आपके अंदर कुछ ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशात जिनका फौरी तौर के ऊपर पूरा होना जो है वो आपके हाथ में नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपने सर के ऊपर मसलत नहीं करें कि अगर कुछ ऐसी डिज़ायर्स आप सोच रहे हैं या कुछ ऐसे ख्वाब आप देख रहे हैं जिनको आप फौरन जो है वो यकसर पूरा नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को अपने माइंड के ऊपर सवार करके अपने बाकी जो चीज़ें हैं उनको डिले मत कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली आपके एक्यूरेट डिसीजंस के लिए, कि आप एक मुस्तकम फैसले और दूरंदेश फैसले कर सकते हैं, कि इस टाइम में किए गए फैसले जो हैं वो आपको ना सिर्फ मुस्तकबिल करीब बल्कि मुस्तकबिल बईद में भी जाके आपको चीज़ें जो हैं वो यकसर बेहतर देखने को मिलेंगी। इस हवाले से एक चीज़ आपको जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर जो आर्टिस्टिक एक टेस्ट है वो तो डेवलप होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके कोई इश्क मोहब्बत के मामला चल रहे हैं, कोई पसंदीदगी के मामला चल रहे हैं, या आपकी अगर कोई पसंद की शादी के हवाले से बातचीत चल रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगी। इनमें कोशिश करें कि कोई भी ऐसी फजूल गुफ्तगू या कोई ऐसी कोई एक्शन जो है वो आपकी तरफ से नहीं हो जो इन चीज़ों को किसी भी सूरत में डिस्टर्ब करे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो ओवरऑल आपका जो मंथ है इंशाल्लाह अच्छा और खुशगवार रहेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। जेमिनाय यानी कि जौसा, बट जो जौसा के हामिल जो अफराद हैं उनका मंथ ऑफ मई हम लोग अगर देखें तो आप लोगों का जो मंथ का फर्स्ट वीक है यानी कि 1st of May से लेकर 6th of May तक, ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें आपका रूलिंग प्लैनेट रहेगा आपके जायचा के 11th हाउस में वीनस के साथ। ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो अपने फ्रेंड्स, सोशली तौर के ऊपर मामला उनमें बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा आपकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी ना किसी ऐसे फर्ड के साथ ज़रूर हो सकती है जिसकी तरफ आपका मोहब्बत का जज्बा जो है वो बेहतर तौर के ऊपर पनपता हुआ नज़र आए। ये चीज़ आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है इसमें होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से अगर आपके ऑलरेडी कोई इस तरह के मामला चल रहे हैं पसंदीदगी के हवाले से साथ, तो इस चीज़ में ये है कि आपकी शादी की तरफ बात जो है वो बढ़ सकती है, या फिर कोई ऐसा फ़र्द आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है जो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाए। इसके अलावा आपका जो हल्का अहबाब है इसके साथ आपके रवाबत बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह खुशगवारी के रहेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों का 6th of May से लेके 20th of May इवन 21st of May तक का जो टाइम फ्रेम है, इसमें मरकरी की पोजीशन आ जाएगी आपके जायचे के 12th हाउस में। ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जहां पे आपको 6th of May से लेके 21st of May तक का जो टाइम फ्रेम है इसमें आपको अपना मोटिवेशन लेवल जो है उसको हाई रखने की ज़रूरत है, आपको सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर मुसल्लत कर सकते हैं, या आपकी जो डिसीजन पावर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, तो इस सूरत में आप कोशिश करें कि बग़ैर मुशावरत चीज़ों को शेयर किए बगैर आपने कोई भी डिसीजन जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी आपका कोई काम चल रहा है उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं, या आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम नहीं रहेगा। स्पेशली 6th of May से लेकर 21st of May तक का जो टाइम है इसमें आपको अपने डिसीजंस अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अप्लाई करने के बजाय दूसरे लोग जिनको आप समझते हैं कि आपके लिए मुखलस हैं उनसे एडवाइस लेने की ज़रूरत है, तो चीज़ें इंशाल्लाह आपके हक में अच्छी और बेहतर रहेंगी। इसके बाद जो आप लोगों का लास्ट 10 डेज़ हैं यानी कि 22nd of May से लेकर 31st of May तक का, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें मरकरी जो है ये आपका रूलिंग प्लैनेट ये आ जाएगा अपने जायचा के 1st हाउस यानी कि अपने असेंडेंट में, जो कि इसकी अच्छी पोजिशन है, अरूज की हालत में रहेगा, और यहाँ पर इसको
बहुत ज़्यादा आपको अच्छी एडवाइजेज दूसरों से मिलती हुई नजर आएंगी, और ना सिर्फ दूसरों से मिलेगी बल्कि आपकी अपनी डिसीजन पावर ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जिस नेगेटिविटी से आप गुजर रहे थे या जिस सेंसिटिविटी से आप गुजर रहे थे वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगी, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगे। ना सिर्फ कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करेंगे बल्कि इस टाइम में किए गए आपके जो डिसीजंस हैं वो आपके लिए आने वाले लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे और खुशगवार रहेंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद जो है रहेगी, स्पेशली कि मंथ का जो इख्तिताम है ये आपकी हस्ब मंशा होता हुआ नज़र आता है, कि चीज़ें जो हैं आप ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाने की पोजिशन में रहेंगे, और ना सिर्फ अपने पर्सनल मैरिट्स को बल्कि आपके लाइफ से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी आप अपनी हस्ब मंशा जो है वो मोल्ड करने की पोजीशन में आ सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद है। इसके अलावा आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, स्पेशली आपके फाइनेंस का, फाइनेंस के हाउस का जो आपके आमदन से रिलेटेड प्लैनेट है वो, जैसे कि आपको इल्म है कि मून है, और मून की स्पेशली पूरे महीने में जो गर्दिश है सूरज के गर्द, ये वो गर्दिश है जिसमें कुछ अच्छे डेज आते हैं मून के और कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें मून जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं होता, जैसे कि कमरदर अक्रब है, या मून जो है वो वबाली कैफियत में आ जाए, या इवन जो है वो कंबस्ट हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें मून की इतनी अच्छी पोजीशन नहीं रहेगी। ये चीज़ आप हमारी जंजानी जंत्री आप उसमें बखूबी देख सकते हैं, और अगर आप वो जंत्री मार्केट से हासिल करना चाहते हो आप मार्केट से भी कर सकते हैं। इवन आपको मेरा ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पर इस वीडियो के नीचे नज़र आ रहा है इस पे आप मुझे एक व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल के ऊपर सेंड कर दूंगा। आप उसमें भी ये डेट्स जो हैं वो देख सकते हैं कि आप किन किन टाइम्स में अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर मैटर्स को बेहतर करने के लिए इकदाम कर सकते हैं, और कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें आपको किसी भी तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद है, और स्पेशली ऐसे तमाम जमनाए के हामिल अफराद जो कि कोशिश हैं, जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि किसी ना किसी दौर के ऊपर उनकी नसीब कुशाई हो जाए, उनका शादी का जो मामला है वो हल हो जाए, तो ये जो मंथ है स्पेशली मंथ ऑफ मई का, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा, कि कोशिश करने से कुछ अच्छे असबाब पैदा हो सकते हैं कि आप अपनी हस्ब मंशा जो है ये ख्वाहिश को जल्द पूरा कर सकें। इसके अलावा प्लानेटरी पोजिशन या प्लानेटरी एस्पेक्ट्स हम लोग अगर देखें तो मरकरी की इस महीने बहुत ज़्यादा नज़र जो है दूसरे प्लैनेट्स के साथ बनती हुई नज़र आ रही है, और इसको हम लोग जो है आप लोगों को बताते चलते हैं कि जो 1 मई और 2 मई है, 1 मई और 2 मई इस दिन दो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स बनेंगे जिसमें मरकरी और मार्स तजदीस की एक अच्छी नज़र भी है, और इसी टाइम फ्रेम में मरकरी और सैटर्न तरबी की एक ख़राब नज़र भी है। तो अच्छी नज़र आप लोगों के लिए क्या करेगी कि आप लोगों के कामों में काफ़ी हद तक जो है तेज़ी ले आएगी, ना सिर्फ कामों में तेज़ी लेके आएगी बल्कि कामों को बेहतर और मज़ीद और ज़्यादा निखार देगी, आपकी डिसीजन पावर को बेहतर कर देगी। ये एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी कि आप लोगों का जो मंथ का स्टार्ट है वो इस हवाले से अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक ख़राब नज़र बन रही है उसमें आपको केयर क्या करनी है, केयर आप लोगों को ये करनी है कि आपको किसी भी तौर के ऊपर मिस कमिटमेंट्स नहीं करनी। आप जो मुआहदा कर रहे हैं, बिजनेस एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, या किसी भी अपने इवन सिबलिंग्स रिलेटिव्स अपने बहन भाई किसी के साथ भी आप कोई अहद कर रहे हैं, एक तो ऐसा कोई अहद ना करें जिसको आप आगे चल के फुलफ़िल नहीं कर सकें। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। जब आपका वर्डिंग्स जो है वो आगे फ्यूचर में जाके पूरी नहीं होंगी तो चीज़ें जो हैं वो आपके हक में ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ख़राब हो सकती हैं। तंग नज़री से निकलें और अपनी सोच को वसत की तरफ लेके आएँ। ये चीज़ आपने करनी है कि आपने तंग नज़री बिल्कुल इख्तियार नहीं करनी, और चीज़ें जो आप बेहतर कर सकते हैं उनको आप बेहतर करें, वो आपके हक में अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ 3 और 4 मई को यहाँ पे भी दो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स बन रही हैं, एक जो कि अच्छी और एक जो कि बुरी। और जो सबसे पहले अच्छी नज़र है उसका मैं आपको बता दूं, वो बनेगी मरकरी और जुपिटर तसलीस की नज़र। ये एक बहुत ही अच्छी नज़र है, और इसमें आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी जेनरोसिटी, फ्रेंडलीनेस, दूसरों से रवाबत को बेहतर करना, अपनी अशिया दूसरों को दे देना, गिफ्ट्स का तबादला, या अपने नए नए आइडियाज़ जो हैं दूसरों को उनकी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए दे देना, और इसके अलावा दूसरों को कुछ ना कुछ ज़िंदगी के बारे में सबक सिखाना। जो तजर्बात आपने सीखे हैं, जो चीज़ें आपने खुद सीखी हैं, उनसे आप दूसरों की ज़ात को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ये चीज़, ये अप्रोच जो है आप लोगों की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, और यही अप्रोच आपको इसी डेज में जो एक नेगेटिव नज़र बन रही है उस चीज़ से भी महफूज रखेगी कि आप दूसरों के लिए
जो अच्छा सोच रहे हैं, उनको जो अच्छा कर रहे हैं, इवन अमली तौर के पर उनकी जो आप मावनत कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी दूसरी चीज़ को ओवरकम कर जाएगी और आपको प्रैक्टिकली तौर के पर मामला खुश आयन देखने को मिलेंगे। अब दूसरी जो आप लोगों की प्लैनेटरी एस्पेक्ट बन रही है वो बनेगी मरकरी और प्लूटो तरबी की नज़र। इस चीज़ में आपने करना ये है कि आपने किसी भी दूसरे फर्ज से एग्रेसिव नहीं होना, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल माइंड रखना है, बहसो तकरार बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा फर्द खा कुछ भी कह रहा हो, आप कोशिश करें कि चीज़ों को दरगुजर कर दें। आप जितना ज़्यादा दरगुजर करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम होंगे। पैसिव एग्रीमेंट जो आप लोगों के एक तबादला ख्याल हो सकता है या कोई बहसो तकरार हो सकती है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इस चीज़ को अगर आप बेहतर रखें और दूसरों की मावनत की तरफ ही अपनी तबीयत को माइल रखें तो इस हवाले से आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। इसके बाद जो अगली प्लैनेटरी नज़र बनने जा रही है वो बनेगी 8 और 9 मई को। 8 और 9 मई को आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो है वो करेगा यूरेनस के साथ केरान। ये एक अच्छी नज़र है, इसमें आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड है, आप लोगों का एक यूनिक एक्सप्रेशन है, एक आप लोगों का जो सोच है, तखयल है, उसको आप जब दूसरों के सामने पेश करेंगे उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी। ना सिर्फ एप्रिसिएशन बल्कि आपको उनकी तरफ से अमली तौर के ऊपर कुछ ना कुछ मावनत हेल्प जो है वो भी ज़रूर मिलती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपके जो प्रैक्टिकल मैटर्स हैं आपके, खा वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके कोई सोशली तौर के ऊपर मामला हों या इवन आपके कोई पॉलिटिकली तौर के ऊपर कुछ काम रुके हुए हों, इन तमाम सूरतों में आपको दूसरे लोगों से फवाइद ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड के दूसरों को किसी ना किसी तौर के ऊपर चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंट करना और इवन दूसरों को बल्कि अपने काम को शुरू करने से पहले, अपने आइडियाज़ को अप्लाई करने से पहले उनका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर लेना, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी कि इस चीज़ से भी आप अपने फ्यूचर को बेहतर तौर के ऊपर एक अच्छे ट्रैक के ऊपर लेके आने की पोजिशन में आ जाएंगे। अगली जो नज़र बनने जा रही है वो बनेगी 16 और 17 मई को और वो रहेगी मरकरी और नेपच्यून तजदीस की नज़र। मरकरी और नेपच्यून तजदीस की नज़र बनने जा रही है और यहाँ पे आप लोगों का जो इमेजिनेशन है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगे। आप अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट्स को, अपनी सोच को प्रैक्टिकली तौर के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी कि इस प्लैनेटरी पोजीशन के अच्छा होने की वजह से आपका जो तखयल है वह बेहतर तौर के ऊपर अपनी अमली ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हैं और ना सिर्फ उसको अप्लाई करेंगे बल्कि उसके पॉजिटिव अफेक्ट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट होंगे और ना सिर्फ पॉजिटिव अफेक्ट्स इम्प्लीमेंट होंगे बल्कि दूसरों की तरफ से अप्रिसिएशन आपको मिलती हुई नज़र आएगी और उनकी नज़रों में आपका इज्जत का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। 17-18 मई को आप लोगों के लिए एक अच्छी और खुश आइंद प्रैक्टिकली तौर के ऊपर अच्छी नज़र बनने जा रही है जो रहेगी मरकरी और सैटर्न तसलीस की नज़र। ये वो प्लैनेटरी एस्पेक्ट है जिसमें आपको मसाइल का अच्छा और बेहतर हल मिल जाएगा। खा वो मसाइल आपके खानगी हों, आपके कोई माशरती हों, आपके सोशली तौर के ऊपर हों, आपकी जॉब से रिलेटेड हों, बिजनेस से रिलेटेड हों, आपके सिबलिंग से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, आपकी अजदवाजी ज़िंदगी, आपके पार्टनरशिप के हवाले से मामलात, आपके हेल्थ इश्यूज, लिटिगेशन के मामलात, या आपकी अपनी दरीना ख्वाहिशात का तकमील करना, अखराजात को मैनेज करना या फिर अपने माली वसाइल जो हैं उनको बेहतर करना, ख़ास ज़िंदगी के किसी भी शोबे से आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका बेहतर तौर के ऊपर हल आपको इस प्लैनेटरी एस्पेक्ट में ज़रूर मिलेगा और ना सिर्फ उसका हल मिलेगा बल्कि आप ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून हो जाएंगे और सोच आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, आप चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर हैंडल करने की पोजीशन में रहेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में काम कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडिविजुअली तौर के ऊपर बल्कि दूसरों के साथ मिल के काम करने का जो जज्बा है आपके अंदर इससे चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर कर सकेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है वो बनेगी 18 और 19 मई को, ये रहेगी मरकरी और प्लूटो तसलीस की नज़र और इसमें आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका वे ऑफ टॉकिंग और ना सिर्फ वे ऑफ टॉकिंग बल्कि आपका जो अल्फाज का चुनाव ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप दूसरे फर्द को अपनी ज़ात में से क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं और यही चीज़ जो है आप इस टाइम फ्रेम में सीख सकेंगे और ना सिर्फ सीख सकेंगे बल्कि दूसरों को आप इम्प्रेस कर सकेंगे और आपका
टॉक ऑफ चेंज जो है ये दूसरों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, जिसकी वजह से आपकी शख्सी वकार जो है उनकी नज़रों में बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपकी पावर ऑफ स्पीच जो है वो दूसरों को मुतासर करती हुई नज़र आती है, और दूसरे आपकी ज़ात से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी इंडिविजुअल लाइफ जो है उसमें किसी ना किसी तौर के ऊपर मसाइल का हल आपसे ज़रूर तलब करेंगे, और इसके अलावा मुमकिन तौर के ऊपर आप उनको नफ्सियाती तौर के ऊपर जो है बेहतर एडवाइस भी कर पाएंगे। अगली प्लैनेटरी पोजीशन जो बनने जा रही है ये बनेगी 21 और 22 मई को, ये रहेगी मरकरी और सन किरान की नज़र, और इसमें आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं किसी ख़ास मकासद के तहत तो ट्रैवल जो है बग़ैर सदक़े के बिल्कुल नहीं करें, ट्रैवल करने से पहले सदक़ा ज़रूर दें। और इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड आपकी तमाम तरह जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितने भी आपके मामलात जो आप करने जा रहे हैं, खा वो आपके तजदीद मरासिम से रिलेटेड हो, रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, या आपके किसी ना किसी तौर के ऊपर काम से रिलेटेड ट्रैवल हो, दोनों सूरतों में आपको चीज़ें जो है वो अच्छी और खुशाइंद मिलेगी, और मुमकिन तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं आपकी रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ाएगा। इसके अलावा 30th मई को बनने जा रहा है मरकरी और नेपच्यून तरबी की नज़र। मरकरी और नेपच्यून तरबी की जो नज़र है ये एक थोड़ी सी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी सोच, आप लोगों की अप्रोच जो है वो बेहतर रहे तो चीज़ों को आप बेहतर तौर के ऊपर मैनेज कर सकेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है इस प्लैनेटरी एस्पेक्ट में आपके ब्रेन के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस को, कितना ज़्यादा नेगेटिविटी को आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप किसी ना किसी तौर के ऊपर ख़ुद से उसको हैंडल नहीं कर सकें तो ऐसे लोगों के साथ अपनी कंपनी ज़रूर रखें इन डेज़ में, स्पेशली इस मंथ के एंडिंग में 30th और 31st मई को, इन दो दिनों में, क्योंकि एक जो अगली नज़र आने वाली है वो भी इसी तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। इस सूरत में, दोनों सूरतों में आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए एक अच्छी कंपनी, अच्छे दोस्त, अच्छे कोलीग्स, इवन आपके सिबलिंग्स, उनके साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, और उनकी सोच, उनके डिसीजन को अपनी लाइफ में अप्लाई करें बजाय इसके कि आप खुद से चीज़ों को जो है फोकस करें। और अगली जो नज़र बनने जा रही है वो भी इन्हीं डेज में बनेगी, और वो रहेगी मरकरी और जुपिटर मुकाबले की नज़र। ये भी सेम वही नज़र है कि जिसमें आपको चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ों को ख़राब बिल्कुल नहीं करें, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर प्रॉब्लम और ख़राब होने की तरफ जा सकती हैं। रियलिस्टिक अप्रोच रखें, कॉन्फिडेंस रखना बुरा नहीं है इन दिनों में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना और अपने आप को अकले कुल समझ लेना ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दूसरे अगर आपको कोई अच्छा एडवाइस कर रहे हैं तो उनकी बात को ज़रूर सुनें, स्पेशली इस महीने के आखिरी दो दिनों में। ये चीज़ अगर आप इन दो दिनों में अप्लाई कर लें कि अपनी सोच की बजाय दूसरों की सोच को इम्प्लीमेंट करें तो जिस तरह बाकी पूरा महीना आप लोगों का एक अच्छा गुजरा है, इन दो दिनों में भी आप अपने मंथ के इख्तिताम को खुश आइंद बना सकते हैं। तो ये था आप लोगों का मंथ ऑफ मई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। बुर्ज कैंसर यानी कि सरतान। बुर्ज सरतान के जो हामिल अफराद हैं, आप लोगों का बखूबी इल्म है कि आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट मून है 12 मनकतुल बरूज में पूरे महीने तमाम ज़ोडिक साइंस का एक सर्कल पूरा कर लेता है। यही वजह है कि आप लोगों की डे टू डे जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहती हैं, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहती हैं, और यही सिनेरियो जो है आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है इसको चंद्रमा कमर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ठंडक का एहसास देता है, और इसी से ही हमारी ब्लड सर्कुलेशन और सी लेवल जो है वो अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहता है। तो इस चीज़ के हवाले से मंथ ऑफ मई की जो अच्छी डेट्स हैं तमाम मंथ में जो आप लोगों के लिए रहेंगी, जिसमें आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो शर्फी बुर्ज में और अरुजी बुर्ज में, यानी कि अपने असेंडेंट में और ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन में जिसमें इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो डेट्स आप लोग नोट कर लें, और कोई भी नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाह रहे हैं तो उन अयाम में कीजिए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं तब भी आप उन्हीं डेज का जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस मंथ में वो डेट्स रहेंगी 4th एंड 5th मई,
ये एक दो दिन अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन आप लोगों की रहेंगी वो रहेगी 9 और 10 में। ये चार दिन है जिसमें चांद की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद रहेगी। इन दिनों में आप कोई भी काम शुरू करना चाहें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे अयाम इस महीने में जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक या उन अयाम में आपको कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और चीज़ों को आपको थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए, वो डेज़ आप लोगों के इस मंथ में रहेंगे 17, 18 और 19, यानी कि 17, 18, 19। ये तीन दिन, इसके अलावा मज़ीद और दो दिन हैं और वो रहेंगे 21 और 22। ये पांच दिन कुल मिला के आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात वाले हैं कि इनमें आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट हो, ऑलरेडी पहले से शुरू की गई कोई मज़ीद उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, या आप दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, किसी ख़ास मकासद के लिए आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई शादी ब्याह मंगनी की या किसी और खुशी की तकरीब करना चाह रहे हैं, तो ये पाँच दिन जो हैं आपके लिए इतने ज़्यादा खुश आइंद नहीं रहेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं चीज़ों के साथ वो इतनी ज़्यादा अच्छी और फुलफिल हो जाएँ। इसके अलावा पूरे महीने में आप लोगों का अगर हम लोग जो प्लैनेटरी पोजीशंस देखें दूसरे प्लैनेट्स की, तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है आप लोगों का एक तो कैरियर का हाउस, कैरियर का, आप लोगों की इज्जत का, वकार का, और आपका जो स्पेशली इंडिविजुअली तौर पर आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और स्पेशली 1 मई से लेकर 16 मई तक का जो ये आप लोगों का टाइम फ्रेम है, ये कैरियर के हवाले से थोड़ा सा एहतियात वाला है। आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अपने कैरियर को चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, तो किसी भी तौर के ऊपर ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। फर्स्ट हाफ जो आपका मंथ का है, अपने कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप इसमें केयर नहीं करेंगे, ऑन रूटीन चीज़ों को अगर आप लेते रहेंगे जिस तरह ऑन रूटीन चल रही हैं, दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो तब आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस देखें, तो स्पेशली आपका जो आमदन और पैसे का प्लैनेट है जो कि सन है, ये आप लोगों के लिए एहतियात वाले अय्याम लेके आ रहा है आपके लाइफ में, और वो रहेगा 22 से लेके 31 मई तक, यानी कि 22 मई से लेके 31 मई तक जब सन आ जाएगा आपके खर्च के घर में। खर्च के घर में आने की वजह से आपको इस टाइम में भी किसी भी तौर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के आपका जो पूरा महीना है ये आपके लिए इस चीज़ का पैगाम लेके आ रहा है कि आपने मंथ के स्टार्टिंग में ही, बल्कि स्टार्टिंग से पहले ही अपने पूरे मंथ के एक्सपेंसेस, अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर मामलात, इनका एक शेड्यूल बना लेना है, चीज़ों को किस तरह आपने मैनेज करना है, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को, मामलात को, अपनी तमाम तर मामलात, इवन आपकी कैरियर, जॉब, बिजनेस एग्रीमेंट्स, आपके रिलेशनशिप्स, और स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके फाइनेंसेस, इन चीज़ों को मैनेज करने और प्लान आउट करने की ज़रूरत है। ये मंथ जो है आप लोगों के लिए मंथ के आगाज़ में ही प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से इस चीज़ की तरफ इंडिकेशंस लेके आ रहा है। इसके अलावा हम लोग अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस पूरे महीने की देखें, तो इसमें आपका जो फाइनेंस का प्लैनेट सन है, इसकी अच्छी पोजीशन जो है आप लोगों के लिए रहेगी, स्पेशली 1 से लेके 20 तारीख तक, और 1 से लेके 20 तक की जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं ये आप लोगों के लिए फाइनेंसिस आपके दूसरे लोगों से जो मुंसलिक हैं, आप अपने कोई सोशली तौर के ऊपर मामला जो हैं उनके साथ मिलके अपने पार्टनरशिप के मामला चला रहे हैं, या आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई कलीग्स हैं, उनके साथ मिलके आप अगर अपने कोई इंडिविजुअली तौर के ऊपर पार्टनरशिप के मामला चला रहे हैं, तो उस सूरत हाल में आपके लिए 1 से लेके 20 तक का जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा। और इसके अलावा बाकी प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हम लोग अगर देखें, तो मरकरी और जुपिटर की तसलीस की जो नज़र बनने जा रही है आपके 3 और 4 मई को, 3-4 मई को मरकरी और जुपिटर की जो तसलीस की नज़र बनेगी, ये स्पेशली आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर करने के लिए, आपके अजीज़ो अकारिब, रिलेटिव्स, ट्रैवल से रिलेटेड आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशांत रहेगा। और स्पेशली अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जॉब जो है वो आपकी हस्ब मंशा हो जाए, और उसमें आपको ताउन की ज़रूरत है अपने किसी बहन भाई की या किसी रिलेटिव की, तो इस डेट में यानी कि 3 और 4 मई को आपको उनकी तरफ से अच्छे एस्पेक्ट्स या उनकी तरफ से अच्छी तवक्कुआत जो हैं वो मुमकिन तौर के ऊपर पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा 10 और 11 मई को जोहरा और मुश्तरी यानी कि वीनस और जुपिटर की तसलीस की नज़र बनने जा रही है, और ये भी एक अच्छी नज़र आप लोगों के लिए इस सूरत हाल में रहेगी कि अगर आप कोई अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम अंजाम देना चाह रहे हैं,
या आप अपनी ज़मीन जायदाद की सेल परचेज, इसके अलावा सवारी से रिलेटेड, आपकी व्हीकल से रिलेटेड कोई सेल परचेज या उससे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो ये दो अयाम यानी कि 10 और 11 मई जो है ये आपके लिए सूरत हाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा कि आपके ओवरऑल मामला जो है इनमें पॉजिटिविटी की तरफ आएगी। इसके अलावा आपके जो सोशल ताल्लुकात हैं, आपके जो हल्का अहबाब है, उसमें कुछ ऐसे लोग जो हैं इन अयाम में शामिल हो सकते हैं जो या तो मज़हब, रूहानियत या आपसे एज और तजर्बे में बहुत ज़्यादा हों। इस तरह के अफराद की शमूलियत जो है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद रहेगी कि इन अयाम में ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं जो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव मामला जो हैं आपकी लाइफ में बरकरार रखें। इसके अलावा 17 और 18 मई को मरकरी और सैटर्न की तसलीस की नज़र बनेगी। ये भी एक अच्छी नज़र है आप लोगों के लिए और इस नज़र की वजह से आप लोग अगर मिल के काम कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, या आपके अगर कोई अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके पार्टनरशिप की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपके जो मामलात हैं उनमें आपको अजीज़ व अकारिब, आपके सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्पेशली अगर आपके कोई लिटिगेशन या विरासती तौर के ऊपर अगर इवन प्रॉब्लम चल रहे हैं तो विरासती झगड़े भी आपके पंचायती सूरत में बैठ के इन अयाम में बेहतर तौर के ऊपर हल हो जाएंगे, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपके लिए हज़्म मंशा बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद रहेंगी। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत और खुशाइंद रहे। और इसके अलावा 21 मई को सन और मरकरी जो है इसका किरान होने जा रहा है और ये किरान जो है आपके लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश आइंद रहेगा। दो कि आपका सन इन डेट्स में आपकी जायचे के एक्सपेंसेस के घर में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को इन अच्छी नज़र की वजह से कुछ ना कुछ हल्का सा रिलीफ जो है आपको ज़रूर मिलेगा कि आप या तो पहले से जो प्लानिंग कर चुके हैं उसकी वजह से आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे, या इस सूरत हाल में अगर नागहानी अखराजात आपके ऊपर आ रहे हैं तो उस सूरत में भी आपके दोस्त, रिलेटिव्स, आपके वालदेन आपको किसी ना किसी दौर के ऊपर माली मदद जो है ज़रूर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका मंथ जो है अगर प्लान आउट करके चला जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा। ये चीज़ कैंसरियन अफराद जो हैं उनको इस मंथ में फोकस रखनी चाहिए कि चीज़ों को पहले से प्लान करें तो मुमकिन तौर के ऊपर चीज़ें आपके हक में अच्छी और खुशाइंद रहेंगी। तो ये था आप लोगों का इस मंथ का ज़ोडिक साइन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की जानिब। लियो यानी कि बुर्ज असद, बुर्ज असद के हामिल जो अफराद हैं आप लोगों का 1 मई से लेके 21 मई तक आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट सन है ये रहेगा आपके जायचे के 10th हाउस यानी कि वत्तुल समा, आपके कैरियर के घर में। और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है आप लोगों के कैरियर में बेहतरी लेके आएगा, आप लोगों के असाध्या के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेहतर करेगा, इवन आपके वालिद की तरफ से किसी ना किसी तौर के ऊपर आपको फ़ायदा मिलना है और वो किसी ना किसी तौर के ऊपर ड्यू चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। तो इस डेट में मंथ के 1 मई से लेके 21 मई तक का जो टाइम फ्रेम है आपको अपने वालिद की तरफ से चीज़ें जो हैं वो अच्छी और खुशाइंद मिलेगी। इवन आप अपना कैरियर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, उसको स्विच करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत हाल में भी चीज़ें आपके लिए अच्छी और खुशाइंद रहेंगी। लेकिन आपको जो थोड़ी सी चीज़ें एडवाइजेबल हैं वो ये हैं कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको तमाम महीने एक सदका जो है वो ज़रूर देना है और इसको डेली बेसिस के ऊपर देना है। ये सदका आपका होना चाहिए 2 मुठियाँ गंदम या बाजरे का। आप इवन अपने घर की छत पे इसको डाल सकते हैं या किसी भी करीबी पार्क में आप किसी मिट्टी के बर्तन में डाल दें, परिंदों के लिए हशरातुल अर्श को आप इसको डाल सकते हैं कब्रिस्तान में। ये सदका आप रोज़ाना देना शुरू करेंगे तो आपके ओवरऑल कामों में जो टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं ये ऑटोमेटिकली दौर के ऊपर इंशाल्लाह इस सदके की बरकत से हल हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम फ्रेम जो आप लोगों के रूलिंग प्लैनेट का रहेगा वो है 22 मई से लेकर 31 मई तक का। ये वो पोजीशन है जब आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट सन आ जाएगा आपके जायचे के 11th हाउस में और यहाँ पे रहते हुए ये आपको बिजनेस से फ़ायदा, आपकी सोशल लाइफ से फ़ायदा और बहुत ज़्यादा आपकी स्पेशली पॉलिटिकल लाइफ जो है उसमें आपका जो इज्जत का ग्राफ है उसको बढ़ा देगा। इवन आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या पॉलिटिकली तौर के ऊपर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये वो टाइम फ्रेम होगा 22 मई से लेकर 31 मई तक का कि इसमें आपको रिस्पेक्ट और दूसरों से
بہت زیادہ اچھی توقعات ملیں گی. ایون آپ کی ایسی خواہشات جو بہت عرصے سے پینڈنگ چلی آ رہی ہیں ان خواہشات کو بھی پورا کرنے کے حوالے سے معاملات آپ کے اچھے اور خوش آئند رہیں گے. اسپیشلی اس منتھ کی بہت زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ منتھ کا جو سٹارٹنگ آغاز ہے فرسٹ ویک کا, آپ کا جو نصیب کا گھر ہے اس میں دو اچھے پلانٹس وینس اور مرکری کی ایک اچھی پلانٹری پوزیشن ہے, اور آپ کے نصیب کے جو پلانٹ ہے اس کی بھی ایک اچھی جگہ کے اوپر پلیسمنٹ کی وجہ سے آپ کا ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نہ صرف وہ اچھی اور خوش آئند رہیں گی بلکہ اگر آپ خواہش کرتے ہیں کوئی روحانی سفر کی, حج و زیارات یا عمرے کے حوالے سے آپ اگر کوئی پلانس کر رہے ہیں تو اس منتھ میں آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے, یا اس منتھ میں آپ اپنی ڈاکومنٹیشنز وغیرہ فائل اپ کریں تو تب بھی چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ اچھی اور خوش آئند رہیں گی. ایون پورا منتھ آپ کا اس حوالے سے زیادہ اچھا اور خوش آئند بھی ہے کہ آپ لوگوں کا زائچے کا جو ففتھ ہاؤس ہے اس میں آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی حوالے سے خوشی ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی سکون کا ذریعہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ضرور شامل رہے گا اس پورے منتھ میں, کہ ان کی ذات کی وجہ سے آپ کو مینٹلی طور کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ذہنی سکون اور ایک تسلی بخش چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. پلینیٹری اسپیکٹس ہم لوگ اگر آپ لوگوں کی دیکھیں اس منتھ میں تو سن کی جو پہلی نظر بننے جا رہی ہے وہ 9 اور 10 مئی کو بنے گی, اور وہ بن رہی ہے جا کے نیپچون سے 33 کی نظر. یہ وہ پلینیٹری اسپیکٹس ہیں جن میں آپ کو اپنے اخراجات کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اخراجات آپ کے خواہشات کی وجہ سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خواہشات کو کنٹرول کریں گے تو آپ کے اخراجات آٹومیٹکلی طور کے اوپر کنٹرول رہیں گے, کیونکہ اس میں ایسے انشیڈول ایکسپنسز آ سکتے ہیں جو کہ آپ پہلے سے نہ تو آپ کے مائنڈ میں ہیں نہ آپ کے شیڈول میں ہیں اور نہ ہی آپ کو ان کے بارے میں علم ہے. اچانک سے کچھ خواہشات آپ کی جنم لے سکتی ہیں جس کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے, تو اس چیز کو تھوڑا سا مانیٹر کریں. ادروائز یہاں پہ کیے گئے ایکسپنسز جو ہیں آپ کو اینڈ آف مئی میں جا کے کچھ پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. تو منتھ کا جو پہلی نظر ہے اس میں ہی چیزوں کو آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لینا چاہیے. لیکن اس پلانٹری اسپیکٹ کے جو باقی اچھی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو دوسری جو لوگ ہیں آپ کی زندگی میں شامل ان کی طرف سے بہت زیادہ امپریسو رویہ دیکھنے کو ملے گا. وہ آپ کے لیے عملی تعاون بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, مالی تعاون بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اخلاقی تعاون بھی ان کی طرف سے رہے گا. ایون آپ کو ان کی طرف سے بہت زیادہ ایسے اچھے القابات سننے کو مل سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس لیول یا آپ کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ اچھا اور بہتر رہے گا, اور آپ اپنے لائف میں فوکس رہتے ہوئے نظر آئیں گے. نہ صرف فوکس رہیں گے بلکہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہ آرٹ کے شعبے میں بھی رہے گی, اور آرٹسٹک اپریسیشن جو ہے وہ آپ کی ذات کی طرف سے دوسروں کو بھی حوصلہ افزائی پہنچا سکے گی. اگلی اچھی نظر بننے جا رہی ہے 11 اور 12 مئی کو, اور یہ رہے گی سن اور سیٹرن تسلیس کی نظر. یہ ایک ایسی اچھی نظر ہے جس میں اگر آپ لمیٹیشنز میں رہ کے ڈیلنگ کریں, خواہ وہ آپ کے ریلیشن سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے کوئی بات چیت سے ریلیٹڈ چیز ہے, آپ کی پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, آپ کے ایون بزنس سے ریلیٹڈ ایگریمنٹس ہیں, یا آپ دوسروں کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تمام صورتوں میں آپ نے لمیٹیشنز میں رہ کے چیزوں کو کریں گے تو بہت زیادہ اچھے اسباب اور اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ چیز آپ کو اپنے مائنڈ میں فوکس رکھنا ہے کہ یہ ٹائم بہت اچھا ہے لیکن لمٹ میں رہ کے جو بھی آپ کریں تو اپنے مقاصد کا حصول ضرور پورا کر سکیں گے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ اس ٹائم میں جو ڈیسیژنز لے رہے ہیں ان ڈیسیژنس کو آپ امپلیمنٹ بھی کریں, کیونکہ آپ کی پریکٹیکل اپروچ اور ڈیسیژن میکنگ کی جو سینس ہے وہ بہت زیادہ اچھی رہے گی, اور دونوں چیزیں اچھی ہونے کی وجہ سے ڈیسیژنس تو بہت اچھے ہو جائیں گے لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشنس ہیں اس کو بھی آپ یقینی بنائیں, کیونکہ یہ امپلیمنٹیشنس کا یقینی ہونا آپ کے لیے آگے چل کے مثبت اثرات کا حامل رہے گا, اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اپنی لائف کے اوپر ایک کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے مواقع اور اچیومنٹس ملیں گی کہ آپ اپنی لائف کو بہتر ٹریک کے اوپر لے کے آنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اگر آپ ان مواقع جو ہیں ان کو اویل کر لیں. اس کے علاوہ آپ کو اپنی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ کافی عرصے سے پینڈنگ چلی آ رہی ہیں ان کو اکمپلش کرنے کا, ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا جو ہے وہ بھی بہتر موقع ملتا ہوا نظر آئے گا, تو اس چیز کو آپ نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا کہ اگر آپ کو ایسے مواقع مل رہے ہیں کہ آپ کے جو بہت سے
पेंडिंग काम है या आपकी ऐसी ख्वाहिशात जिनको आप पूरा करना चाह रहे हैं या कुछ ऐसे काम जो कि दूसरों की ज़ात से रिलेटेड है और वो बहुत अरसे से पेंडिंग है और उनको पूरा करने का मौका मिल रहा है, तो इस हवाले से भी आपने किसी भी तौर के ऊपर सुस्ती काहली बिल्कुल नहीं बरतनी। और अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़े तो एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा वर्क करके भी चीज़ों को आप कंप्लीट करें, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में चीज़ें जो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी वो आपकी नेक्स्ट मंथ में चल के आपको बहुत ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो ज़रूर दिलाएंगे। इसके अलावा 14th और 15th मई को सन प्लूटो तस्लीस की एक अच्छी नज़र बनेगी और ये वो एक अच्छी नज़र है जिसमें आपका एक ट्रस्ट लेवल दूसरों के ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियली इश्यूज आपके रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे, स्पेशली जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाए। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपनी जो फाइनेंशियली पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, ये चीज़ कंट्रोल कर लेंगे तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ये चीज़ अच्छी रहेगी और बेहतर डिसीजन पावर होने की वजह से इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो भी यकीनी हो जाएंगी। इसके अलावा इस मंथ की जो लास्ट प्लैनेटरी एस्पेक्ट आप लोगों की बन रही है वो बनेगी 21 और 22 मई को, ये रहेगी सन और मरकरी केनान की नज़र, और इस टाइम में आप कोशिश करें कि आप जो सफ़र कर रहे हैं जिस भी मकसद के तहत वो सफ़र जो है उसमें आपके मकासद जो हैं वो बिल्कुल वाजिया होने चाहिए, चाहे आप अपने तजदीद मरासिम के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ों के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपने कोई बिज़नेस एग्रीमेंट्स के लिए कर रहे हो, या इवन आप कोई सैर व तफरी के हवाले से कर रहे हो, तो चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो ट्रैवल आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको लेके चलनी है। तो आपको मुस्बत तौर के ऊपर सफ़र जो है वसीले ज़फ़र आपके लिए साबित होगा और चीज़ें आपके हक़ में बेहतर रहेंगी और ट्रैवलिंग जो है आपके लिए नित नए आइडियाज़ जो हैं उनकी राह को हमवार करती चली जाएगी। इसके अलावा आप लोगों की जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है इस प्लैनेटरी एस्पेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से जो इंटेंस थॉट्स आप लोगों के लिए परेशान कुन चल रहे थे उन इंटेंस थॉट्स जो हैं उनको आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ से ओवरकम करते हुए नजर आएंगे, और ना सिर्फ ये बल्कि आप बेहतर कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेटिव एंड स्पीच राइटिंग दोनों चीज़ों को इस प्लैनेटरी एस्पेक्ट में आप बेहतर कर सकते हैं, और आपकी बोलने की और लिखने की दोनों की अल्फाज की जो पावर है ये दूसरे लोगों को मुतासर करती हुई नज़र आएगी। तो इस हवाले से लियो अफराद का ये मंथ जो है बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ लेके आ रहा है, एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, और एक जो एस्पेक्ट्स हैं वो आप लोगों को करने की ज़रूरत है कि जब आपका रूलिंग प्लैनेट जाके आपके एक्सपेंस के हाउस में चला जाएगा लास्ट 10 डेज़ में इस मंथ के, तो उस हवाले से आपको पहले से चीज़ें जो है वो शेड्यूल में होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तौर के ऊपर इस मंथ का जो इख्तिताम है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स में नहीं हो। तो ये था आप लोगों का इस मंथ का ज़ोडियक साइन, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। विर्गो यानी कि बुर्ज शुम्ला के हामिल जो अफराद हैं उन लोगों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट मई से लेके 6 मई तक रहेगा आपके जायचे के 8th हाउस में, यहाँ पे आपकी डिसीजन पावर जो है उसको वीक करेगा। तो इस हवाले से कोशिश करें कि आप कोई भी डिसीजन अगर फर्स्ट वीक में ले रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करें, और अगर आपने करना है तो उस डिसीजन को आप क्रॉस चेक या शेयर ज़रूर करें अपने मुखलिस अहबाब के साथ, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ इस मंथ के फर्स्ट हाफ में होगी, 1st मई से लेके 16th मई तक, के वीनस की आपके पार्टनरशिप के फायदे के घर में पोजीशन। इसके अलावा जुपिटर की अच्छी नज़र और जुपिटर की भी आपके कैरियर के ऊपर अच्छी नज़र होने की वजह से कैरियर ग्रोथ, आपकी चीज़ें जो हैं वो पार्टनरशिप के हवाले से बेहतर, और ना सिर्फ पार्टनरशिप के हवाले से बेहतर बल्कि इंडिविजुअली बिजनेस जो अगर आप कर रहे हैं उस सूरत हाल में भी दोनों प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं आपको फ़ायदा पहुंचा सकेगी। इसके अलावा आपका जो रूलिंग प्लैनेट मरकरी है उसकी 7th मई से लेके जो नेक्स्ट प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं वो रहेगी 21 मई तक, यानी कि 7 मई से 21 मई तक मरकरी रहेगा जाके आपके जायचे के 9वें घर में, और यहाँ पर इसकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकेगी आपके वालिद से, आपके बिरूने मुल्क से रिलेटेड चीज़ों से। इसके अलावा ऐसे तालिब इल्म हज़रात, ऐसे स्टूडेंट हज़रात जो कि अपने कोई कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, या अगर आपके कोई
अपनी एब्रॉड स्टडी के हवाले से चीज़ें जो हैं उनको आप बेहतर करना चाह रहे हैं, कोई अपना एडमिशन जो है वो फाइल अप करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को फाइल अप करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आप लोगों के लिए 7 मई से लेकर 21 मई तक का टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशगवार रहेगा। इसके बाद जो मंथ का लास्ट 10 डेज हैं यानी कि 22 मई से लेकर 31 मई तक, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें मरकरी आ जाएगा अपने जाती घर और आपके जायचे के 10th हाउस में। यहाँ पे आके ये आपके लिए बिजनेस एग्रीमेंट्स, आपके कैरियर की ग्रोथ, आपका रिस्पेक्ट लेवल दूसरों की नज़रों में बढ़ाएगा, आपके असातज़ा के साथ रिलेशनशिप्स को बेहतर करेगा, और यहाँ से इसकी अच्छी नज़र पड़ने की वजह से आपकी खानगी मामलात, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें और इसके अलावा आपके व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे और खुश आइंद वे में लेके चलेगा। और इस मंथ का इख्तिताम एक अच्छे वे में होने की वजह से आप मेंटली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशगवारी का एहसास रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मंथ का फर्स्ट हाफ है यानी कि 1st ऑफ मई से लेकर 16th ऑफ मई तक, ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें आपका खाने माल यानी कि आमदन का प्लैनेट अपने घर से बिल्कुल उलट पोजीशन में भी है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा फोकस रहने की भी ज़रूरत है कि आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो काम चल रहे हैं उन्हीं को उसी तरह चलने दें, और किसी भी दूसरे फर्द को अगर आप कर्ज दे रहे हैं तो ये माइंड में आप ज़रूर रखें कि उस कर्ज की वापसी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हम लोग अगर देखें तो मरकरी की यकम मई और दो मई ये दो दिनों में आप लोगों की मरकरी और मार्स की तस्दीस की एक अच्छी नज़र, इसके अलावा मरकरी और सैटर्न की तरबी की एक ख़राब नज़र, ये दोनों नज़र बनने की वजह से हालात जो हैं कुछ मिले जुले असरात के हामिल रहेंगे, और इन्हीं प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स की वजह से आपके जो काम की तेज़ी है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि काम का जो मेयार है वो किसी भी तौर के ऊपर डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि आप अपनी स्पीड को बेहतर करने के चक्कर में मेयार का लेवल जो है वो गिरा सकते हैं, या अपने आप को फोकस नहीं रखेंगे चीज़ों की तरफ तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ख़राबी की तरफ जा सकती हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि फोकस रहें, जो चीज़ आप डिलीवर करना चाह रहे हैं उस तरफ आपकी तवज्जो पूरी 100% रहनी चाहिए, और दूसरी चीज़ें जो कि आपको डाइवर्ट कर रही हैं, चाहे वो आपके फैमिली इश्यूज़ हों, आपके पर्सनल मैटर से रिलेटेड चीज़ें हों, आपके फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें हों, आपके सिबलिंग से रिलेटेड चीज़ें हों, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके इवन सोशली तौर के ऊपर मैटर जो हैं वो अगर डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो तमाम सूरत हाल में आपको अपने जो फोकस चीज़ें हैं उनको किसी भी तौर के ऊपर डिस्टर्ब या डाइवर्ट नहीं करना, ये चीज़ आपने अपने माइंड को एक कमांड देनी है ताकि चीज़ें प्रैक्टिकली तौर के ऊपर बेहतर हो जाएं। अदरवाइज़ इस टाइम में अगर कुछ चीज़ें डिले होती हैं तो वो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। किसी भी मामले को डिले नहीं होने दें, कोशिश करें कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको ऑन टाइम डिलीवर करें, इस टाइम में चीज़ें अगर आपने डिले की तो वो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ये आपने मंथ के स्टार्ट में ही चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर मैनेज कर लेना है। इसके बाद 3 और 4 मई को मरकरी जुपिटर तस्लीस की एक अच्छी नज़र, और इसके साथ साथ मरकरी और प्लूटो तरबी की ख़राब नज़र होने की वजह से आपकी सोच पॉजिटिव, आपके वर्ड्स पॉजिटिव, आपकी अप्रोच पॉजिटिव होने की वजह से ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर जो एक ख़राब नज़र बन रही है वो चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर सॉर्ट आउट कर लेगी। इवन आप हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए, हालात का मुकम्मल जायज़ा लेते हुए आप बहुत अच्छे डिसीजंस कर सकेंगे, और बहुत ही मुस्बत सोच होने की वजह से आप अपने साथ मिले और जुड़े हुए दूसरे लोग जो हैं उनकी ज़ात को भी फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। इस चीज़ में आपको अब करना क्या है कि 3 और 4 मई को जहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी खुशगवार चीज़ें जो हैं आपके लिए आ रही हैं, वहीं पे आपने अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, कौन से लफ्ज़ को कहाँ पे यूज़ करना है और किस फर्द के सामने यूज़ करना है, इस चीज़ को आपने मोनिटर करना है, और कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसी अग्रेसिव लैंग्वेज जो है उससे आपने अवॉइड करना है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं। ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो मामला आपके ओवरऑल अच्छे और खुश आइंद रहेंगे। 8 और 9 मई को मरकरी यूरेनस किरान की अच्छी नज़र होने की वजह से आप नित नए आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, खा वो आइडियाज़ आपके प्रैक्टिकल मामला से रिलेटेड हो, खा वो आइडियाज़ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, खा वो आइडियाज़ आपकी घर की डेकोरेशन या तज़ीनो आराइश से रिलेटेड हो, तमाम तर चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी की तरफ रहेंगे,
ऐसे काम कर सकते हैं जो आपने लाइफ में पहले कभी नहीं किए हो। एक कुछ चेंज करने की तरफ आपकी अप्रोच जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो आपका, चाहे हेयर स्टाइल हो आपकी, चाहे वो कुछ बियर्ड हो, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की तरफ अपने माइंड को माइल करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा 16th और 17th ऑफ मई को मरकरी और नेपच्यून तजदीस की एक अच्छी नज़र होने की वजह से आप एक विजनरी पर्सन के तौर के ऊपर अपने हल्का अहबाब में उभर के सामने आ सकते हैं। दूर अंदेश होने की वजह से, मुस्बत इकदाम करने की वजह से और दूसरे लोगों को एक अच्छा एडवाइस और उनके प्रॉब्लम्स में हेल्प आउट करने की वजह से आपका पॉजिटिव विजन जो है वो आपकी पर्सनल रिस्पेक्ट दूसरों की नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशगवार बढ़ा देगी। ये चीज़ जो है आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर के ऊपर इंजॉय कर सकेंगे और इसके साथ साथ चीज़ों को आप मुस्बत तरीके के लिए अप्लाई करने के साथ जो इकदाम हैं वो भी करते हुए नज़र आते हैं। तो इस हवाले से 17 और 18 मई को मरकरी सैटर्न तसलीस की जो एक अच्छी नज़र बनने जा रही है, ये वो एक अच्छी और खुशाइन नज़र होगी जिसमें आप अपने मामलात को सीरियसली प्रैक्टिकली नौयत के ऊपर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हल कर सकेंगे। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएंगे, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो चीज़ें रियल में हैं, उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं आप बेहतर तौर के ऊपर मैनेज कर सकेंगे। खाम ख्याली, शेख चिल्ली और ये सारी जो आपके माइंड में पहले से चल रही थी चीज़ें, उनको यकसर आप एक साइड पर रखेंगे और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो चीज़ें आप डिलीवर करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुश आइंद वे ऑफ लाइफ रहेगा। इसके बाद 18 और 19 मई को मरकरी प्लूटो तसलीस की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है जिसकी वजह से नफसियाती इश्यूज कुछ उबर सकते हैं, आपके माइंड में कुछ नफसियाती तौर के ऊपर स्ट्रेस में आप जा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकेंगे अपने अच्छे अहबाब की शमूलियत अपनी लाइफ में रखते हुए। अच्छी गैदरिंग आप रखें, अच्छे लोगों के साथ शेयरिंग करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव वे आउट निकल आएंगे कि अपने जो आपके नफसियाती इश्यूज़ हैं इनको कैसे आपने रिजॉल्व करना है और चीज़ों को आपने कैसे एक्सपोजर की तरफ लेके जाना है। और इसके साथ साथ आपके अंदाज़े गुफ्तगू जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि अंदाज़े गुफ्तगू से ही आप दूसरे लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा जो है अपने माइंड में फोकस रखना है। इसके साथ साथ 21 और 22 मई को मरकरी सन किरान की ये भी एक जदीद एस्ट्रोलॉजी में अच्छी नज़र मानी जाती है और इस नज़र के हवाले से आप अपनी कम्युनिकेशन, स्पीच राइटिंग और दूसरों के लिए, इवन अगर आपका कोई सेल्स से ताल्लुक है, आप सेल्समैन हैं, आपका वन टू वन लोगों से इंट्रैक्शन रहता है, आपको लोगों को कन्विंस करना है अपने किसी भी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो ये प्लानिटरी एस्पेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी कि चाहे आप एक वाइट पेपर ही क्यों ना किसी को सेल करने चले जाएँ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो इस लेवल की होगी कि आप दूसरों को कन्विंस कर सकेंगे इस चीज़ के ऊपर कि वो आप जो बात बोल रहे हैं उसके ऊपर अपने आप मोल्ड कर लें। इसके बाद इस मंथ के जो आखिरी दो दिन हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा थोड़े से एहतियात वाले हैं, क्योंकि 30 और 31 मई को दो खराब नजरें बनने जा रही हैं, मरकरी नेपच्यून तरबी की और इसके अलावा मरकरी जुपिटर मुकाबले की नज़र। ये दोनों ही एहतियात और ख़राब वाली नज़र है और इसमें आप कोशिश करें कि अपनी सोच की बजाय दूसरों की सोच जो है उसको इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, और बजाय इसके कि आप अपनी सोच और अपने माइंड के मुताबिक जिस तरह चीज़ें लेके चल रहे हैं अच्छी, उसी तरह ही आप समझें कि इन दो दिनों में भी गुजर जाएंगी और मंथ का इख्तिताम जो है वो आप एक अच्छे खुश आइन तरीके से कर लेंगे, तो इस चीज़ से आप बाहर निकलें, क्योंकि ये जो दो दिन हैं ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपको चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों के साथ एडवाइस लेने की ज़रूरत है। इस चीज़ को अगर आप पहले से प्लान आउट कर लेते हैं तो इस मंथ का इख्तिताम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये था आप लोगों के लिए मंथ ऑफ मई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान, बुर्ज मेज़ान के हामिल जो अफराद हैं उनका मंथ ऑफ मई अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है जिसको मोहब्बत की देवी बोला जाता है, वीनस यानी कि जोहरा, इसके अकॉर्डिंगली प्लैनेटरी पोजिशंस आप लोगों की जो फर्स्ट हाफ में रहेंगी यानी कि 1 मई से लेके 15 मई तक, ये वो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं आप लोगों की, कि आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है ये अपने घर से बिल्कुल उलट
सातवें घर रहते हुए इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी कुव्वते फैसला जो है उसको दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, पहले 15 दिनों में आपको दूसरों की एडवाइस ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों के जो जॉइंट वेंचर्स के काम है वो एक अच्छे खुशगवार रहेंगे। इसके अलावा आपके जो बाकी प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स और बाकी प्लैनेटरी पोजिशंस हैं उसमें जुपिटर की अच्छी नज़र होने की वजह से ऐसे तमाम लोग जो कि बिरून मुल्क कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या बिरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, स्पेशली अगर आप कोई रूहानी सफ़र करना चाह रहे हैं हज व ज़ियारात या उम्रा, तो इस हवाले से भी आपकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। इस मंथ का जो अगला फेज़ है यानी कि अगला नेक्स्ट हाफ है 16th ऑफ मई से लेकर 31st ऑफ मई तक का जो टाइम फ्रेम है उसमें वीनस आ जाएगा आपके जायचे की 8th हाउस में। तो इस हवाले से भी प्लैनेटरी पोजीशंस आप लोगों के लिए पार्टनरशिप से माली फ़ायदे के लिए तो अच्छी ही रहेगी, लेकिन डिसीजन पावर आपकी जो है वो एज इट इज़ जो है चीज़ों के लिए एहतियात वाली हैं कि आपको चीज़ों को एहतियात की तरफ रखने की ज़रूरत है। अपनी तमाम तर चीज़ों को जो है अपने ऐसे अफराद जिनको आप समझते हैं कि आपके साथ मुखलिस हैं, माजी में आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन उनके चल चुके हैं, उनके साथ जो है चीज़ें आप शेयर करें, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करते हुए नजर आएंगे और चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपके लिए खुश आइंद बन जाएंगी। इसके अलावा हम लोग अगर आप लोगों की प्लैनेटरी पोजीशंस देखें तो आप लोगों की जो पहली प्लैनेटरी एस्पेक्ट बन रही है 7 और 8 मई को, ये बनेगी वीनस और जोहल तरबी की नज़र, और इसमें आपको अपने सोशल इश्यूज़, आपके फ्रेंडशिप के हवाले से मामलात, पॉलिटिकली तौर के ऊपर जो आपके मैरिज हैं, आपके बिज़नेस के फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो इश्यूज़ हैं कि आपका जो बिज़नेस है उसमें अगर कोई माली लेन देन के हवाले से मामलात हैं, कोई अकाउंट्स की मैनेजमेंट है, इन तमाम चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। पर्सनली खुद से दिलचस्पी लेते हुए इन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें और चीज़ों को लाइट बिल्कुल नहीं लें, चीज़ों को लाइट बिल्कुल नहीं लेना, आपने सीरियसली इनको हैंडल करने की कोशिश करनी है और कोशिश ये करें कि आपके जो रवाबत दूसरों से कट रहे हैं उनको किसी ना किसी तौर के ऊपर मैनेज करें और अपने साथ मिला के रखें। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद रहेगी। अगली नज़र जो आप लोगों की प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है वो बनेगी 10 और 11 मई को। 10 11 मई को वीनस और जुपिटर तसलीस की नज़र एक अच्छी नज़र है और इस नज़र में आप अहम तकरीबात का हिस्सा हो सकते हैं, अहम तकरीबात में ना सिर्फ आप शमूलियत कर सकते हैं बल्कि उनका इनेकाद भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी गैदरिंग्स जो हैं वो आपकी ज़ात से मुनक्कद होती हुई नज़र आती हैं जो कि आपकी अमली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ायदेमंद रहेंगी और इसके आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरों से रवाबत जो है आपके बढ़ने की वजह से आपकी इज़्ज़त और वक़ार का ग्राफ ना सिर्फ पूरा बेहतर होगा बल्कि उनकी तरफ से आपके कुछ रुके हुए जो काम है वो भी यकीनी तौर के ऊपर जो है मुमकिन तौर के ऊपर बेहतर चलेंगे और इसके अलावा आपकी जो कंफर्टेबल लेवल है आपकी सोशल एक्टिविटीज का वो बहुत ज्यादा खुशाइंद हो जाएगा। और सेम इनी डेज में वीनस और प्लूटो तरबी की जो एक खराब नजर बनने जा रही है ये इस चीज की तरफ इंडिकेट करती है कि आप लोगों के जो सोशल एक्टिविटीज चल रहे हैं वहीं पे कुछ हासिद किस्म के लोग जो हैं वो आपके लिए लेग पुलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपके हक़ में अच्छी होती चली जाएंगी। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना है चीज़ों को, आपको हर चीज़ को जो है कोशिश ये नहीं करनी कि आप हर चीज़ जो है वो अपने हाथ में ले लें और ख़ुद से उसको करना शुरू कर दें, थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो आप टाइम दें, ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर एट द एंड जो रिज़ल्ट आएंगे वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और स्पेशली इसमें कोशिश करें कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपके सोशल लाइफ में जिनसे मुखालिफ से रिलेटेड हैं उनसे किसी भी तौर के ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, अदरवाइज एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट नज़र जो बनने जा रही है आपके रूलिंग प्लैनेट की वो बनेगी 14 और 15 मई को वीनस मार्स तजदीस की नज़र, ये एक अच्छी नज़र है और इस एक अच्छी नज़र में आपकी सेहत जिस्मानी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, दूसरे लोग आपकी ज़ात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपके अल्फाज की सूरत में हो, चाहे वो आपकी शख्सियत की सूरत में हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से हो, ख्वाह किसी भी वजह से हो, दूसरे लोगों का मुतासर होना आपकी ज़ात से यकीनी तौर के ऊपर इन अयाम में रहेगा और आप अगर जो मिल के काम करना चाह रहे हैं इसमें भी यकीनी तौर के ऊपर आपको फ़ायदा रहेगा और रोमानवी तबीयत होने की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं आपके इश्क मोहब्बत के हवाले से जो हैं
बहुत ज़्यादा खुशगवारी का लेवल आपके लिए बनता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से ऐसे अफराद जो माजी में कुछ प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चीज़ों में चल रहे थे अपने रोमांस के हवाले से, इस टाइम फ्रेम के बाद से उनकी ये चीज़ें जो है बेहतर तौर के पर इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके अलावा 19 और 20 मई को वीनस और यूरानस किरान की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है, और इसमें आप दूसरों से हट के अलग सोच और एक मुनफरद नज़रिया जो है वो दूसरों को देते हुए नज़र आएंगे, यानी कि ऑन रूटीन चीज़ों से हट के कुछ ऐसी अछूती चीज़ या एक ऐसा अछूता आइडिया जो है वो आप दे सकते हैं जो पहले से कभी किसी भी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हो, चाहे वो आपके रिलेटिव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, ख्वाह किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपकी जो सोच और अप्रोच है वो दूसरों से कुछ मुनफरिद ज़रूर रहेगी, जिसकी वजह से आपका इंट्रैक्शन दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा और बढ़ जाएगा, और दूसरों की तरफ से आपका जो लेवल है मीटिंग का, उनके साथ शेयरिंग का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशगवार रहेगा। इसके अलावा इस महीने के जो आखिरी प्लैनेटरी एस्पेक्ट आप लोगों की बनने जा रही है 30 और 31 मई को, वो बनेगी वीनस और नेपच्यून तजदीस की नज़र। ये भी एक अच्छी और खुशाइंद नज़र है, और इसमें आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। बहुत अरसे से ऐसी सारी चीज़ें जिनके लिए आप कोशा हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, इस टाइम फ्रेम में वो पूरी होती हुई नज़र आएंगी और मामलात जो हैं वो खुशाइंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपका सेंसिटिविटी लेवल जो है वो इश्क व मोहब्बत के मामलात जो हैं उनमें बरकरार थोड़ा सा रह सकता है, तो उस हवाले से अपने अल्फाज और अपने एक्शन दोनों चीज़ को आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ आपका आर्टिस्टिक टेस्ट जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा, कि दूसरों की अप्रिसिएशन करने की वजह से आपकी अपनी ज़ात जो है उसमें भी क्रिएटिविटी ज़रूर आ सकेगी। तो ये था आप लोगों का इस मंथ का ज़ोडियक साइन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। स्कॉर्पियंस यानी कि बुर्ज अक्रब, बुर्ज अक्रब के हामिल जो अफराद हैं उनका मंथ ऑफ मई जो है वो इस हवाले से स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोगों का जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट मई से लेकर 16th ऑफ मई तक का, यहाँ पे आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट मार्स है ये रहेगा आपके ज़ाइचे में 8th हाउस में, जिसकी वजह से आपकी जो अपनी डिसीजन पावर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी और खुशगवार नहीं होगी। लेकिन आप लोगों का ज़्यादा फोकस जो है वो इंश्योरेंस, लिटिगेशन, क्लेम, विरासत, इन सारी चीज़ों में रहता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप के हवाले से जो आपके फाइनेंशियल इशूज़ हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, तो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर खुश आइंद रहेंगी, क्योंकि आपका फाइनेंस का प्लैनेट अपने ज़ाती घर में है, जिसकी वजह से आपके माजी के जो प्रॉब्लम चल रहे थे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज, पैसे गनाना, रुक जाना, दूसरे लोगों से जो आपकी पेमेंट स्पेंडिंग चली आ रही थी, या कोई भी ना कोई आपकी फाइनेंशियली इश्यूज थे, उनका रिजोल्व होना जो है इस मंथ में यकीनी तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हाफ आप लोगों का जो 17th ऑफ मई से लेकर 31st ऑफ मई तक का है, उसमें आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स चला जाएगा आपके ज़ाइचे के 9th हाउस में, आपके नसीब के घर में, और यहाँ पर इसकी जो प्लैनेटरी पोजिशंस है कुछ ऐसे अफराद जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने आबाई वतन से दूर, अपने आबाई शहर से दूर, दोनों सूरतों में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी हद तक मुस्बत और बेहतर रहेंगी। इसके अलावा वालिद की तरफ से आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे और खुशाइंद होते चले जाएंगे, और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट हजरात जो कि अपने स्टडी से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम और मसाइल का शिकार थे, उनकी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक अच्छी और खुशाइंद हो जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों का जो ज़ेली हाकिम, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो प्लूटो आप लोगों का जो ज़ेली हाकिम है, इसकी बदस्तूर पोजीशन आपके ज़ाइचे में 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड ही रहेगी, तो ये चीज़ आपके ज़ाइचे में रेट्रोग्रेशन की होने की वजह से, और इसके साथ साथ 3rd हाउस का प्लैनेट अपने ज़ाती घर में होने की वजह से ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं ये आपके लिए किसी न किसी तौर के ऊपर मिले जुले असरात का हामिल ज़रूर रखेगा। और ओवरऑल स्कॉर्पियन हज़रात का जो फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये मंथ है, मंथ ऑफ मई, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा, और मंथ का जो स्टार्टिंग फेज है उसमें डिसीजन पावर जो है इसको आपको बेहतर करने की जरूरत है, और स्पेशली जब आप डिसीजन पावर को बेहतर कर लेते हैं तो आपका जो मंथ का सेकंड फेज है ना सिर्फ आपका वो नसीब के हवाले से अच्छा है, बल्कि आपके अज़दवाजी जिंदगी, शरीके कार, आपके पार्टनरशिप के हवाले से जो मामला है दोनों सूरतों में आपके लिए खुशाइंद और बेहतर रहेगा। इसके बाद आप लोगों की जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ हम लोग नजर दौड़ाएं, तो सबसे पहले 1 और 2 मई को
مارس مرکری تجدید کی ایک اچھی نظر بننے جا رہی ہے, اور اس میں آپ لوگوں کے نہ صرف کام کا معیار بہتر ہوگا بلکہ کام کا رفتار جو ہے وہ بھی بہتر ہونے کی وجہ سے چیزیں آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کے حق میں بہت زیادہ اچھی اور مثبت اور خوش آئند رہیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے دو ایام آ رہے ہیں یعنی کہ 3 اور 4 مئی, یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کا جو پلانٹ پلوٹو ہے, پلوٹو کی مرکری کے ساتھ تربیع کی نظر خراب ہونے کی وجہ سے ممکنہ طور کے اوپر آپ کی ذات سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں دوسروں کے لیے جو خامخواہ کے بحث و تکرار کا باعث بنے. اس چیز کو آپ کو تھوڑا سا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں جو ہیں اگر کچھ پیسو ایگریمنٹس میں جا رہی ہیں, خامخواہ کی بحث و تکرار کی طرف جا رہی ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے اپنا صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھنا ہے, کیونکہ اگلے آنے والے مزید دو ایام جو ہیں اسی صبر و تحمل کے دامن کے تھامے رکھنے کی وجہ سے بہتر ہو سکیں گے, اور وہ ہے آپ کا 6 اور 7 مئی کا دن. کیونکہ 6 اور 7 مئی کو مارس اور جوپیٹر کی مقابلے کی نظر بنے گی, اور اس میں آپ کے پرنسپل لا سوٹس جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کے نظریات جو ہیں وہ دوسروں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے آپ کو نگیٹیوٹی یا ڈپریشن یا کسی نہ کسی طور کے اوپر سٹریس میں مبتلا کر سکتے ہیں. تو اس چیز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو بھی چیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے, چیزوں سے قطع تعلق رکھیں گے, خاموشی اختیار کریں گے, صبر و تحمل کریں گے, تو چیزیں آٹومیٹکلی طور کے اوپر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے لیے اچھی اور خوش آئند ہو جائیں گی. اس کے بعد اگلی جو اچھی نظر بنے گی وہ جا کے بنے گی آپ کے زائچے میں 15 مئی کے بعد, یعنی کہ 14 اور 15 مئی کو یہ دو دن جو ہے ایک اچھی نظر بننے جا رہی ہے جس میں پلوٹو اور سن تسلیس کی ایک اچھی نظر ہے, اور اس ٹائم فریم میں آپ کی جہاں پہ بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ ریزالو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, وہیں پہ آپ کا جو فائنینشیل ایشوز ہیں, آپ کا ٹرسٹ لیول ہے دوسرے افراد کے اوپر, یہ انشاءاللہ ریزالو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کا ایشو آف پاور جو چل رہا تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی طور کے اوپر جو مقابلے بازی تھی, اس چیز سے آپ باہر نکل آئیں گے, اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل ایک کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے, اور آپ کی نہ صرف ڈیسیژن پاور بہتر ہو سکے گی بلکہ معاملات کو مستحکم طریقے کی طرف بھی گامزن رکھیں گے. کیونکہ سیم انہی دنوں میں 14 اور 15 مئی کو آپ کا رولنگ پلانٹ مارس وینس کے ساتھ ایک تجدید کی اچھی نظر بنا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی صحت جسمانی, آپ کا موٹیویشن لیول, آپ کا خود اعتمادی, آپ کی اسپیشلی ریلیشن شپس دوسروں کے ساتھ, آپ کی عشق و محبت کے حوالے سے جو معاملات ہیں, آپ کے رومانوی زندگی کے حوالے سے چیزیں جو ہیں, آپ کے جوائنٹ وینچر جو ہیں, آپ کچھ کریٹیو ڈیکور کرنا چاہ رہے ہیں اپنی لائف کو, اپنی چیزوں کو, اپنے فیملی کو, اپنے گھر کو, تمام صورتوں میں جو ہیں چیزیں آپ بہتر طور کے اوپر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے, اور معاملات انشاءاللہ یکسر جو ہے بہتری کی جانب گامزن رہیں گے. نیکسٹ پینٹری پوزیشن آپ لوگوں کی بنے گی 18 اور 19 مئی کو. 18 اور 19 مئی کو پلوٹو مرکری تسلیس کی ایک اچھی نظر بننے جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا ٹاک آف چینج, آپ کا ایکسپوئر, دونوں صورتیں جو ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی اور خوش آئند رہیں گی کہ آپ کا بدلتا رویہ دوسروں کی زندگی میں بہت زیادہ افیکٹو رہے گا. آپ دوسروں کو ایک مثبت گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے آپ کی ذات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, اور نہ صرف دوسرے آپ کی ذات سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ آپ کی اپنی ذات کے لیے چیزیں جو ہیں بہت زیادہ خوش آئند رہیں گی, اور آپ لوگوں کی جو پاور اسپیچ ہے یا آپ لوگوں کے جو الفاظ کی طاقت ہے وہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کا رسپیکٹ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور خوش آئند رہے گا. اس کے بعد لاسٹ پلینٹری اسپیکٹ جو آپ لوگوں کی بننے جا رہی ہے 23 اور 24 مئی کو, وہ جا کے بنے گی مارس اور یورینس تجدید کی نظر. یہ ایک بہت ہی اچھی اور خوش آئند پلینٹری نظر ہے جس میں آپ کی قائدانہ صلاحیت جو ہے وہ نکلے گی, آپ دوسروں کی لائف کو لیڈ کر سکتے ہیں, نہ صرف دوسروں کی لائف کو لیڈ کر سکتے ہیں بلکہ انڈیویجولی طور کے اوپر اپنی زندگی میں بہت زیادہ اچھی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ لے کے آتے ہوئے نظر آئیں گے, اور نہ صرف پازیٹیوٹی لے کے آئیں گے بلکہ آپ فوکس رہیں گے اپنے لائف ٹریک کے اوپر, چاہے وہ آپ کا ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو, آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہو, آپ کی فائنینسز کے حوالے سے ہو, یا آپ کے کیریئر, آپ کی جاب, آپ کے پارٹنرشپ, آپ کے ریلیشن شپ, آپ کے رومانس, آپ کی پراپرٹی, وہیکل, سواری, یا ایون آپ کے ایکسپنسز کے حوالے سے بھی ہو, تمام صورتوں میں فوکس رہنے کی وجہ سے آپ ہر چیز کو بہتر صورتحال میں مینج کر سکیں گے, اور پرابلم سالونگ جو ہے یہ آپ کی شخصیت کا خاصا رہے گی, نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. تو اس حوالے سے منتھ آف مئی جو ہے وہ اسکارپینس حضرات کے لیے جہاں پہ بہت ساری
एहतियात लेके आ रहा है, वहाँ पे मंथ का जो इख्तिताम है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रखेगा, और इसी सूरत हाल की वजह से आपका मंथ ऑफ मई जो है एक मुस्बत इख्तिताम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस के हामिल जो अफराद हैं उनका मंथ ऑफ मई अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का रूलिंग प्लानट जुपिटर जो कि खुशबख्ती रूहानियत कुशादगी रिस्क का प्लानट है, और इसकी इस मंथ में तमाम महीने बदस्तूर जैसे कि लास्ट मंथ से भी इसकी प्लानटरी पोजिशन चल रही है अपने असेंडेंट के हाउस में, लेकिन लास्ट मंथ क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हुआ था और उसी पोजिशन में बदस्तूर ये इस तमाम महीने मौजूद रहेगा अपने असेंडेंट में रेट्रोग्रेड पोजिशन की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप ज़रूर लीजिए, लेकिन उसको डबल चेक या दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें कि आप जो भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, खा वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो, किसी भी सूरत हाल में हो, आपका जो ज़हनी अर्तका हासिल हो रहा है उस चीज़ को पॉजिटिव रखने के लिए चीज़ों को शेयर करना, दूसरों से मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस चीज़ को फोकस रखेंगे तो आपके तमाम तरह जो मामलात हैं उनमें इंशाल्लाह चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर बेहतर और खुशाइंद हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम लोग आप लोगों के बाकी जो प्लानटरी पोजिशंस देखें आप लोगों के जायचे में, तो मंथ का जो स्टार्टिंग फेज़ है इसमें आपका जो जायचे का फिफ्थ हाउस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो अच्छे प्लैनेट्स की पोजीशन फर्स्ट वीक में मरकरी की यहाँ पे रहेगी और स्पेशली 16th ऑफ मई तक वीनस की यहाँ पे अच्छी पोजीशन रहेगी, जिसकी वजह से औलाद की तरफ से खुशी, औलाद के हवाले से आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो मुमकिन तौर के ऊपर पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा आपकी रोमानवी और मोहब्बत के हवाले से जो मामला चल रहे हैं और मुमकिन तौर के ऊपर अगर आप अपनी मोहब्बत को मुंतहा करना चाह रहे हैं शादी तक, तो ये भी आप इस मंथ के फर्स्ट हाफ में करना चाहें तो यकीनी तौर के ऊपर आपको इसमें खुश आइंद नतीजे ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग देखें आप लोगों के प्लानटरी एस्पेक्ट्स, तो उसमें जुपिटर की जो पहली नज़र बनने जा रही है 3 और 4 मई को जुपिटर तसलीस कर रहा है मरकरी के साथ, और ये एक बहुत अच्छी और अच्छी मुस्बत नज़र है कि जिसमें आप खुशगवार फैसले अपनी ज़िंदगी में ले सकेंगे, ना सिर्फ खुशगवार फैसले ले सकेंगे बल्कि वो प्रैक्टिकली तौर के ऊपर अप्लाई भी हो सकेंगे, क्योंकि आप हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए मनाजिर को बेहतर तौर के ऊपर जज करते हुए जो डिसीजंस लेंगे उनकी प्रैक्टिकलिटीज़ जो हैं वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही रहेंगी, और ना सिर्फ वो फैसले आपको मुस्तकबिल करीब बल्कि मुस्तकबिल बईद में भी लॉन्ग टर्म में भी आपको फ़ायदा जो है उनका मिलता रहेगा। इसके अलावा आपकी सोच और अप्रोच दोनों चीज़ें पॉजिटिव होने की वजह से और स्पेशली कुछ ना कुछ सीखने का अमल जो है वो आपकी लाइफ में एक जुस्तजू की सूरत में रहने की वजह से सीखने का अमल भी जारी रहेगा, और उससे आपकी सोच में मज़ीद और ज़्यादा प्योरिफिकेशन आती चली जाएगी, और ना सिर्फ आप खुद सीख सकेंगे बल्कि अपनी ज़ात से दूसरों को भी टीच करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो अगले दो आयाम आ रहे हैं 6 और 7 मई को, यहाँ पे जुपिटर मार्स मुकाबले की एक ख़राब नज़र है, और इस नज़र में आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप कोई कानूनी मामलात में इन्वॉल्व हैं, आपको इंश्योरेंस क्लेम, लिटिगेशन, विरासती झगड़े, इन तमाम चीज़ों में अगर आपकी किसी न किसी तौर के ऊपर इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं रहेगी कि अगर आपकी फाइटिंग स्पिरिट होने के बावजूद भी आप चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर हैंडल करना चाहें तो तब भी आप इसमें लैग कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपके इख्तियार में हट सकती हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट की सूरत में चीज़ें जो हैं वो आप गलत डिलीवर करते हुए नज़र आएंगे, या समटाइम्स आप ओवर एक्साइटमेंट में जाके चीज़ें जो हैं वो ख़राब कर सकते हैं। तो इस हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं आपको बैलेंस रख के चलने की ज़रूरत है कि जब बैलेंस आपका बरकरार रहेगा तो मामला आपके ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ठीक होते चले जाएंगे। इसके बाद 10 और 11 मई को जुपिटर की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है वीनस के साथ तसलीस की, और ये इस माह की सबसे खूबसूरत नज़र है जो जुपिटर और वीनस की तसलीस की नज़र बनने जा रही है, क्योंकि ये आपकी जो सोशल लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर देगी, ना सिर्फ सोशल लाइफ को आपकी कंफर्टेबल करेगी बल्कि आपके हल्के अहबाब में बहुत ज़्यादा नए अहबाब जो हैं आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए नज़र आएंगे, और इसके अलावा आपकी जनरोसिटी जो है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप अपनी ज़ात से किसी न किसी तौर के ऊपर दूसरों को फ़ायदा ज़रूर पहुँचा सकेंगे, ना सिर्फ अमली तौर के ऊपर बल्कि इवन फाइनेंशली तौर के ऊपर जो फ़ायदा है ये भी आपकी ज़ात से उनको पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा काम, करियर, कारोबार,
अच्छी प्रोडक्टिविटी जो है ये आपकी रियलिस्टिक अप्रोच का हिस्सा रहेगी, जिसकी वजह से चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ आपकी ज़ात से मुकम्मल और पाया तकमील तक जाएंगी, जिसकी वजह से दूसरे अफराद जो हैं उनकी नज़र में आपकी इज्जत का ग्राफ ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके अलावा इस मंथ की जो लास्ट नज़र बनेगी 30 और 31 मई को जुपिटर की मरकरी के साथ मुकाबले की एहतियात तलब नज़र है। और इसमें आपको करना ये है कि अगर आपको ट्रैवल कर रहे हैं तो बग़ैर ज़रूरत के ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना, बहुत अशद ज़रूरत हो आपको ट्रैवल की, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, सैर व तफरी से रिलेटेड हो, तजदीद मरासम से रिलेटेड हो, आप सदका दे के ट्रैवल करें। इसके अलावा आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में नहीं लेके आएँ, इस चीज़ को आप एहतियात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने माइंड के ऊपर सवार कर लेना या स्ट्रेस कर लेना जो है ये चीज़ों का या मसाइल का हल नहीं है। इससे आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, और आपके आगे चल के जो मंथ स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ, उसमें मंथ के स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो इस हवाले से मंथ के एंडिंग में जो ये एहतियात वाली नज़र है, इसको आपने पहले से थोड़ा सा मॉनिटर रखना है और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करनी है कि अगर खुदा ना खासा चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसको आपने लेट गो करना है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिवली अपने माइंड के ऊपर सवार नहीं करना। ये सूरत हाल अगर आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह इस मंथ का इख्तिताम जो है वो भी आप खुश आइन तरीके से कर सकेंगे। तो ये था आप लोगों का इस मंथ का ज़ोडियक साइन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी के हामिल जो अफराद हैं उनका मंथ ऑफ मई का जो स्पेशली स्टार्ट है वो इस हवाले से अच्छा और खुश आइंद है कि आप लोगों का एक तो रूलिंग प्लैनेट अपने असेंडेंट में ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड है। इसके साथ साथ आप लोगों के जायचे का जो 12 हाउस का प्लैनेट है वो यहाँ पे आ चुका है अपने जाती घर में, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी वो रेट्रोग्रेड है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे रेट्रोग्रेशन के बावजूद एक चीज़ इसके लिए अच्छी है कि ऐसे तमाम लोग जो कि इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो बिरूने मुल्क से रिलेटेड कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, या वो लोग परेशान हैं अपने खुफिया हासदीन की वजह से कि टाइम टू टाइम ऐसे लोग जो हैं वो आपको चीट कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं आपके साथ, या आपको मोरली जो है वो हर्ट कर जाते हैं जिनका आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इस महीने में आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें जो है वो मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंसेस जो हैं आपके ये प्रॉब्लमेटिक रहते हुए नज़र आएंगे। इस हवाले से आपको चीज़ों को मंथ के स्टार्ट में ही प्लान कर लेना चाहिए, तो इस हवाले से आपका मंथ बेहतर और खुशाइंद हो सकता है। बाकी प्लैनेटरी पोजिशन अगर हम लोग देखें तो आपको इस महीने में मंथ का जो पहला फेज़ है ये कम से लेके 16 मई तक का जो टाइम फ्रेम है, 1 मई से 16 मई तक का, आपको अपने कैरियर के हवाले से चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा एहतियात वाली रखनी चाहिए कि अगर आपके ज़िम्मे कोई काम है, कोई बिज़नेस एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, कोई नए मुआहदे कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपको किसी भी तौर के ऊपर चीज़ों को लाइट नहीं लेना चाहिए। आपको अपने एग्रीमेंट जो हैं उनको प्रॉपर तौर के ऊपर रीड करना है, उनको बेहतर तौर के ऊपर जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, और कैरियर में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं तो उसको बगैर सोचे समझे आपने बिल्कुल अवेल नहीं करना। अच्छी तरह सोच समझ के मशवरा करके फिर आपने आगे चलना है, क्योंकि ऑन रूटीन अगर आप चीज़ों को अवेल करना शुरू कर देंगे तो तब आपके लिए जो है प्रॉब्लम रहेगी। और ये स्पेशली टाइम फ्रेम है 1 मई से लेकर 16 मई तक का, उसके बाद का जो टाइम है उस टाइम में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो तब आप उसको अपने डिसीजन के मुताबिक जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो आप लोगों का जो स्पेशली मंथ का जो लास्ट 10 डेज हैं, जो कि 22 मई से लेकर 31 मई तक का टाइम फ्रेम है, इसमें ऐसे तमाम अफराद जो कि मुलाजमत को चेंज करना चाह रहे हैं या मुलाजमत को जो है अपनी हसबे मंशा मुलाजमत का हसूल चाह रहे हैं और मुलाजमत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपका जो मंथ का लास्ट 10 डेज हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइंद है कि आपको अपनी हसबे मंशा मुलाजमत भी मिल जाएगी, और अगर आप मुलाजमत को स्विच करना चाह रहे हैं किसी बेहतर पोस्ट के लिए तो उसमें भी आपको यकीनी तौर के ऊपर कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा हम लोग अगर आप लोगों की प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स देखें जो इस पूरे मंथ में बनने जा रही है, तो 1 मई को बनेगी 1 और 2 मई को सैटर्न मरकरी तरबी की नज़र।
ये एक एहतियात तलब नज़र है, इसमें चीज़ें जो हैं कुछ डिले हो सकती हैं आपकी कुछ गलत जजमेंट की वजह से, या हालात जो हैं वो आप बजाय के रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ रखें आप खाम ख्याली की तरफ लेके जा सकते हैं, तखयल की तरफ लेके जा सकते हैं। और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे आप चीज़ों को डिले होने से बचा सकते हैं। ये चीज़ आपको एक थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, और अपनी सोच जो है उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखें। ब्रॉड रहेगी, नैरो नहीं होगी, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि तंग नज़री जो है ये भी आपके लिए डिप्रेसिंग, चीज़ों को डिले करना और दूसरे लोगों से आपके जो रिलेशंस हैं उनको लिमिटेशंस की तरफ रख सकती हैं। और इसी टाइम फ्रेम में आपको अपनी सवारी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप कोई सफ़र पर जा रहे हैं उससे पहले सवारी का चेक ज़रूर कीजिए, उसके टायर्स, उसका मैकेनिकली तौर के ऊपर जो भी चीज़ आपको चीज़ सही लगती है उसको अच्छी तरह चेक करके अगर आप सफ़र के ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ भी आपको इंडिकेट हो रही है कि इस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। 7 और 8 मई को अगर हम लोग देखें तो सैटर्न वीनस तरबी की एक ख़राब नज़र है, और इस चीज़ में भी आपको सीरियसली थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है अपने सोशल मामलात को बेहतर करने के लिए। आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, या इवन आपके पॉलिटिकली तौर के ऊपर जो रिलेशंस हैं उनके साथ अगर किसी भी तौर के ऊपर आपके कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, तो गलत फहमियों के जो बादल हैं उनको झटने की ज़रूरत है। और इस चीज़ के लिए आपको खुद से जो है एक फॉरवर्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके आप इस वेट में रहें कि दूसरा फर्ज जो है वो आगे बढ़े और चीज़ों को लेके चले। तो इस सूरत में आप खुद से जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड स्टेप लें और चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी। और आपका जो डिस्टेंस एक मेनटेन हो चुका है अपने दूसरे अहबाब के साथ, उस डिस्टेंस को आप कम कर सकते हैं सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड लेके। इसके अलावा जो नेक्स्ट अच्छी एक नज़र बनने जा रही है वो बनेगी 11 और 12 मई को, सैटर्न सन तसलीस की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है। और इस प्लैनेटरी एक अच्छी नज़र में आपके हुकाम के साथ, बा असर अफराद के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्टअप होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी वसातत से ना सिर्फ हल कर सकेंगे बल्कि मुस्बत तौर के ऊपर चीज़ों को डिलीवर करने की पोजिशन में आएंगे। इसके अलावा आप चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर अकम्पलिश करते हुए नज़र आएंगे, वो चीज़ें जो माजी में डिले हो चुकी थी उनको अगर आप इस टाइम फ्रेम में भी पूरा करना चाहें तो आप उनको पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे बाहसन तरीके के साथ। और इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि आप ऑब्स्टेकल्स को अगर ओवरकम करना चाह रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए अपने मुखलस अहबाब का तावन जो है वो ज़रूर शामिल हाल रखें, क्योंकि उनके तावन से ही आपको इसमें सक्सेस मिल सकेगा। आपका सब्र व तहम्मुल, आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके हक में पॉजिटिव और बेहतर रहेंगी। वो चीज़ें जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकी थी उन चीज़ों से आप निकल आएंगे और खुश आइंद हालात जो हैं वो आपके ना सिर्फ मुंतज़र रहेंगे बल्कि उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और यकसर कुछ ऐसे मुस्बत डिसीजंस भी आपकी ज़ात से होते हुए नज़र आते हैं जिसका रिज़ल्ट आपको मुस्तकबिल करीब में मिल जाएगा। इस मंथ की लास्ट प्लैनेटरी एस्पेक्ट जो आप लोगों की बनने जा रही है वो बनेगी 17 और 18 मई को, जबकि सैटर्न मरकरी के साथ तसलीस कर रहा है, तो ये वो एक अच्छा टाइम होगा जिसमें मसाइल का बेहतर हल जो है वो आपकी ज़ात को मिल जाएगा। ना सिर्फ मसाइल का बेहतर हल आपको मिलेगा बल्कि सीरियसली चीज़ों को हैंडल करना और उनको रिजॉल्व करना जो है ये आपकी शख्सियत का खासा रहेगा। और इस खासे से ना सिर्फ आप फ़ायदा उठाएंगे बल्कि आपकी ज़ात से जुड़े हुए तमाम अफराद जो हैं वो आपकी इस क्वालिटी से फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे। और प्रैक्टिकली तौर के ऊपर मंथ का इख्तिताम जो है आप अपनी एक बेहतर सोच और अप्रोच के साथ कर सकेंगे। तो ये था आप लोगों का इस मंथ का ज़ोडियक साइन, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दलव, बुर्ज दलव का हामिल जो अफराद हैं उनका मंथ ऑफ मई अगर हम लोग देखें तो आपको जो रूलिंग प्लैनेट कैप्रिकॉन है ये बदस्तूर अपने ही असेंडेंट से 12th हाउस में रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। ये वाला मंथ भी स्पेशली पॉजिटिव रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने अच्छे और मुगले से बाप के साथ चीज़ों को शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आपका जो एक अच्छी बात इस मंथ में होने जा रही है वो ये है कि आपके जो फाइनेंशियली तौर के ऊपर इशूज़ चल रहे थे वो आपके रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे।
ना सिर्फ फाइनेंशियली इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे बल्कि आपको अपने हल्का अहबाब दोस्त अहबाब आपके सोशल मैटर्स जो हैं उनकी तरफ से चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे खुश आइंद जो हैं रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि तमाम महीने आप एक सदका जो है वो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, कि पूरे महीने में आपने एक सदका जो है वो ज़रूर देना हो, और वो सदका आपका होना चाहिए कौमे कतमीर का सदका। अब कौमे कतमीर के हवाले से अगर हम लोग देखें तो आप कुरान पाक की सूरह असहाबे काफ जो है उसकी तरफ नज़र दौड़ाएं कि उसमें कुछ असहाब के साथ उनका एक साथी है, उसका ये नाम है कतमीर। और आप देखें कि आपके घर के इर्द गिर्द जिस भी जगह के ऊपर आपको उस तरह की चीज़ नज़र आए, वहाँ पर आप हस्बे तौफीक गोश्त, कलेजी पिपरा या छीछड़े जो भी आप आसानी से ले सकें, जितना भी ले सकें उस जगह के ऊपर आप डलवा दें। ये सदका आपने रोज़ डेली करना है पूरे महीने में, क्योंकि आपके इस पूरे मंथ में जो है नज़रे बद के असरात जो हैं आपके ऊपर मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और फजूल किस्म के लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस मंथ का जो आगाज़ है ये आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि दो अच्छे प्लैनेट्स की प्लैनेटरी पोजिशन आपके मोटिवेशन लेवल के हाउस में है। ना सिर्फ मोटिवेटेड रहेगा बल्कि आपको अपने अजीज़ों कारे बहन भाई दोनों की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रवाबत देखने को मिलेंगे, और आपकी जो चीज़ें उनके साथ अच्छी और खुशहाल नहीं चल रही थी अब उनमें बेहतरी आती चली जाएगी, जिसकी वजह से चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर मुस्बत हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग आपकी जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं पूरे महीने की उसकी तरफ अगर नगाह दौड़ाएं तो 1 और 2 मई इन दिनों में सैटर्न तरबी कर रहा है मरकरी के साथ, और ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर नहीं रहें, चीज़ों को स्लोली मॉनिटर करें, देखें कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। उसके बावजूद जो है अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके हवाले से बगैर मुशावरत के कोई भी डिसीजंस नहीं लेने, क्योंकि बगैर मुशावरत आप कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में कमांड रखनी है कि जो मंथ का आगाज़ है उसमें आपने खुद से डिसीजंस लेने की बजाय चीज़ों को सिर्फ मॉनिटर करना है, और चीज़ों को थोड़ा सा अगर डिले हो भी रही है तो अपने सिर के ऊपर मुसल्लत नहीं करना, क्योंकि आगे चल के ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर वही डिलेशुदा चीज़ें जो हैं वो आपके हक में बेहतर तौर के ऊपर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके बाद 7 और 8 मई को भी एक एहतियात तलब नज़र है जो कि सैटर्न तरबी कर रहा है सोहरा के साथ वीनस के साथ, तो ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपके रवाबत दूसरे लोगों के साथ प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आप दूसरों के साथ गुफ्तगू करते हुए बातचीत करते हुए बहुत ज़्यादा सीरियसनेस अपने अंदर नहीं रखें, या अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो इस तरह का करें कि उसमें नरमी और शाइस्तगी का पहलू जो है वो बरकरार रहे, तो इस चीज़ को आप अप्लाई करते हुए चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद 8 और 9 ये 2 दिन जो हैं 8 और 9 मई को आप लोगों का जो दूसरा लॉर्ड प्लैनेट है यूरानस वो मरकरी के साथ किरान कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल आपकी अप्रोच जो है चीज़ों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएगी, और जो माजी में प्रॉब्लम और चीज़ें डिले हो चुकी थी आप इन टाइम फ्रेम में चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। आपका जो इंटेंसिटी ऑफ माइंड है उसको बेहतर करने की कैपेबिलिटीज़ आप में आती हुई नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा आपका जो एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड है इसकी वजह से भी चीज़ों को आप बेहतर तौर के ऊपर मॉनिटर करते हुए नज़र आएंगे, और अपना जो रेडिकल एक्सप्रेशंस और आपके जो व्यूज़ हैं उनको बेहतर तौर के ऊपर दूसरों तक पहुँचाते हुए नज़र आएंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि आप दूसरों की ज़ात से अपनी ज़ात को किसी ना किसी तौर के ऊपर फ़ायदा ज़रूर पहुँचवाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ जो चीज़ें बेहतर तौर के ऊपर डील कर रहे हैं तो दूसरों से भी अपने हक़ में फेवरिज्म जो है ये यकीनी तौर के ऊपर जो है आप इस टाइम फ्रेम में करवाते हुए नजर आएंगे, तो ये चीज़ भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी हद तक खुशगवार रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन अगर हम लोग देखें तो 11 और 12 मई को बनने जा रही है सैटर्न और सन तसलीस की नज़र। ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें आप अच्छी तरह तसल्ली से चीज़ों को मैनेज करके मॉनिटर करके बहुत ही साउंड डिसीजंस लेते हुए नज़र आएंगे, और ना सिर्फ वो डिसीजंस आप लेंगे बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, और इवन अपनी सोशल लाइफ में। तो ये तीनों फेजेस जो आपकी लाइफ के हैं पर्सनल, प्रैक्टिकल एंड सोशल, तीनों चीज़ों में आप चीज़ों को बहुत ही अच्छा और बेहतर तौर के ऊपर
एक रैशनल लेवल के साथ चीज़ों को बेहतर करते हुए नजर आएंगे, और ना सिर्फ ये बल्कि आप चीज़ों में एक स्तरीय अकम्पलिशमेंट कर सकेंगे, स्पेशली जो माजी में चीज़ें आपकी डिले हो चुकी थी, जिनके बारे में मैंने आपको बोला कि आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपकी डिले शुदा चीज़ें जो हैं ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर तौर के ऊपर मैनेज हो जाएंगी, और आपके जो रिलेशंस हैं, आपके बाअसर अफराद के साथ रिलेशंस हों या आपके जो इमीडिएट बॉस हैं या आपके जो बॉसेस हैं, दोनों अफराद के साथ आपके जो रिलेशंस हैं या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपके जो ताल्लुकात हैं, तमाम सूरतों में आपको उन अफराद से फवायद जो है वो ज़रूर मिल सकेगा। नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन जो आप लोगों की बनेगी वो बनेगी 17 और 18 मई को, और ये है सैटर्न मरकरी तसलीस की नज़र, और ये वो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें आपको कंसंट्रेट और फोकस्ड रहना है अपने प्रैक्टिकल मामलात में, क्योंकि ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आप बहुत सारी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नए माहदे कर सकते हैं, जो चीज़ें आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्लान कर रहे हैं, पेपर वर्क में हैं, उनको आप प्रैक्टिकली सूरत में इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे, और जिसकी वजह से आप मसाइल का मजबूत हल भी दे सकेंगे, आप अपनी जो पार्टनरशिप के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर तौर के ऊपर ना सिर्फ सॉर्ट आउट कर सकेंगे, बल्कि इवन आपके जो खानगी मामलात हैं, आपके जो अज़दवाजी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स के हवाले से रिलेशंस हैं या आपके सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तमाम सूरतों में आप चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर हैंडल करने की काबिलियत रखते हुए नज़र आएंगे, और हालात में यकसर तब्दीली जो है, मुस्बत और खुशकन तब्दीली जो है, ये आपकी शख्सियत का खासा रहेगी। नेक्स्ट प्लैनेटरी एस्पेक्ट जो आप लोगों की बनेगी वो बनेगी 19 और 20 मई को, ये बनने जा रही है यूरानस वीनस किरान की नज़र, ये वो नज़र है जिसमें आपकी मेंटल और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी दोनों ही निखर के सामने आती हुई नज़र आएगी, और दोनों सूरतों में आपकी ज़ात को भी फ़ायदा होगा और जो लोग आपकी ज़ात से मुंसलिक हैं उनको भी आप फ़ायदा पहुँचाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ चीज़ों को शेयर करने का जो एक्साइटमेंट है, दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करना, चाहे वो मॉरली हो, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, चाहे वो फाइनेंशली हो या अपने आइडियाज़ की सूरत में हो, तमाम सूरतों में आप उसकी एक्साइटमेंट जो है वो उसको इन्जॉय करते हुए नज़र आएंगे, और इसके अलावा मुनफरद एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन जो है ये भी आपकी ज़ात का हिस्सा रहेगा, कि आपकी ज़ात से कुछ ऐसे एक्सप्रेशन या आइडियाज़ या तखयल या सोच दूसरों तक डिलीवर हो सकेगी जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें पॉजिटिव किरदार अदा करेगी। इसके बाद इस मंथ की जो लास्ट अच्छी नज़र बनने जा रही है वो बनेगी 23 और 24 मई को, ये रहेगी यूरेनस और मार्स तजदीस की नज़र, ये वो नज़र है जिसमें आपको अपनी कुव्वत इरादी मजबूत रखने की वजह से बहुत सारी तरक्की से रिलेटेड चीज़ें मुमकिन तौर के ऊपर मिलती हुई नज़र आ रही हैं, कैरियर ग्रोथ, आपका स्पेशली जो ग्रुप शेयरिंग है, आप किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं, ग्रुप की सूरत में आपकी कोई वर्किंग है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपका इंडिविजुअली तौर के ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ हैं, तो तमाम सूरतों में आपकी कुव्वत इरादी जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हुई नज़र आ रही है, कि चीज़ें जो हैं आप बेहतर तौर के ऊपर ऑन टाइम डिलीवर कर लेंगे। इसके अलावा आपकी कायदाना सलाहियत जो है ये निखर के सामने आती हुई नज़र आ रही है, और ना सिर्फ आपकी कायदाना सलाहियत निखर के सामने नज़र आ रही है बल्कि आप अपनी जो ज़ात है उसके बारे में भी फोकस रहेंगे, कि जहाँ दूसरे लोगों की आपकी ज़ात को फ़ायदा मिल रहा है वहीं पर आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको भी फोकस रखते हुए आप चीज़ें बेहतर तौर के ऊपर लेके चलने की पोजीशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मंथ का इख्तिताम है ये यकसर जो है आपके अपनी कुव्वत इरादी और अपनी हसब मंशा के मुताबिक मुस्बत और खुशकिन बनाने के असरात और हामिल रख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का इस मंथ का ज़ोडियक साइन, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जानिब। पाइसिस यानी कि बुर्ज हौत, पाइसिस के हवाले से अगर हम लोग आप लोगों का ये मंथ ऑफ मई देखें तो इसके अकॉर्डिंगली बदस्तूर लास्ट मंथ में आप लोगों के जो लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर आपके जायचे के कैरियर के हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ था, बदस्तूर इस मंथ भी ये वहीं पे ही मौजूद रहेगा, और इसके साथ साथ आप लोगों का जो सेकेंड लॉर्ड प्लैनेट नेपच्यून है, नेपच्यून जो है ये आपके असेंडेंट के हाउस में बदस्तूर जो है अपनी नशिस्त को बरकरार रखेगा, जिसकी वजह से तमाम आप लोगों के प्लैनेटरी जो लॉर्ड्स हैं इनकी पोजीशन यहाँ पे होने की वजह से आपको कैरियर के हवाले से जो मामला था इनमें बहुत ज़्यादा जो है फोकस रहना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो कि आपकी कैरियर ग्रोथ की तरफ आपको लगता है कि जा रही हैं, या आप कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसका अब से पहले आपको तजर्बा नहीं है,
दोनों सूरतों में जो है आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और एकदम से चीज़ें जो है उनको प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, थोड़ा सा आपको चीज़ों को एडवाइस और मशावरत में रखना चाहिए ऐसे तमाम अफराद से जिनको आप अपना मुखलिस समझते हैं। इसके हवाले से अगर हम लोग देखें तो पाइसिस वालों का ये जो मंथ है ये स्टार्टिंग फेज़ में ही स्पेशली जो फर्स्ट वीक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा फाइनेंशियली तौर के ऊपर, आपके स्पेशली ऐसे अफराद के साथ जो आपके पैसे रुके हुए थे किसी जगह के ऊपर पेंडिंग चले आ रहे थे, या आपके ऐसी रकम जो आपने कर्ज की सूरत में दी थी और उसकी वापसी मुमकिन नहीं हो रही थी, तो इस सूरत में आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ मई है ये सूरत में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा। और इसके अलावा आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप जो है अपना कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि आप समझते हैं कि आपके ऑलरेडी शुरू किए गए काम जो है उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ मई से लेकर 15th of May तक का जो टाइम है ये उस सूरत में अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद आपका क्योंकि लॉर्ड प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो जिसकी वजह से आपको एडवाइस और डिसीजन जो है उसको मॉनिटर करने की या क्रॉस चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम लोग कि बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस देखें तो बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस के हवाले से आपका स्पेशली जो ज़ाइचे का 11th हाउस का प्लैनेट है ये भी यहां पे रेट्रोग्रेड होने की वजह से और इसकी प्लूटो के साथ किरान की नज़र जो है ये तमाम महीने कायम रहने की वजह से आपको दूसरे लोगों से अपना मुखलिस रवैया और दूसरे लोगों से आप जो अच्छाई कर रहे हैं उसका किसी भी तौर के ऊपर जो अच्छा रिवॉर्ड है इसका सिला नहीं रखना चाहिए। सिला जो है वो आप अल्लाह की ज़ात से रखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशाइंद रहेगा। और स्पेशली पाइसिस वालों के अगर हम लोग वैसे टाइम फ्रेम देखें तो आपकी राहु और केतु की जो पोजिशन है ज़ाइचे में ये भी इस चीज़ को मॉनिटर करती हुई नज़र आ रही है कि अगर आप साहिब औलाद हैं या आपके कोई रोमानवी मामला चल रहे हैं तो दोनों सूरतों में ही प्रॉब्लम जो है आपको दूसरे अफराद की तरफ से क्रिएट होती नजर आ रही है, तो इस चीज को भी आपको फोकस रखना है कि ऐसे अफराद जिनका आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वो अमल दखल नहीं है उनको किसी भी तौर के ऊपर आप इस चीज की इजाजत नहीं दें कि वो आपके प्रैक्टिकल मामला या आपके पर्सनल मामला जो है उनमें किसी भी तौर के ऊपर अमल दखल का जरिया बने। इसके अलावा अगर हम लोग आप लोगों की जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं इस पूरे महीने की उसकी तरफ अगर हम लोग निगाह दौड़ाएं तो 3 और 4 मई को जुपिटर मरकरी तसलीस की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है, जिसकी वजह से आप हालात के मुताबिक एक अच्छा फैसला कर सकते हैं और ना सिर्फ एक अच्छा फैसला कर सकेंगे बल्कि आपकी सोच जो है ये पॉजिटिव रहेगी, कुछ ना कुछ सीखने का अमल जो है ये आपकी ज़िंदगी में जारी रहता हुआ नज़र आएगा और ना सिर्फ आप खुद से सीख सकते हैं बल्कि दूसरों को अपनी ज़ात से कुछ ना कुछ सिखाने का अमल जो है ये भी आपकी ज़िंदगी में रहेगा और हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए एक पॉजिटिव डिसीजन जो है वो आप अपनी प्रैक्टिकल पर्सनल इंडिविजुअल तमाम चीज़ों के हवाले से मुमकिन तौर के ऊपर कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 6 और 7 मई जुपिटर की मार्स के साथ मुकाबले की एक एहतियात तलब नज़र है और इस टाइम फ्रेम में आपके नफ्सियात आपकी असूल पसंदी आपकी सोच दूसरों के साथ जो है ये क्लैश करती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से वक्ती तौर के ऊपर आपको स्ट्रेस ज़रूर रहेगा और दूसरे अफराद जो हैं वो मुमकिन तौर के ऊपर आपको इतना अच्छा ज़्यादा फैज़ नहीं दे पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या उनके साथ अगर आपके कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिनमें लिटिगेशन कोई विरासती झगड़े या कोई इस हवाले से आपके इंश्योरेंस क्लेम के हवाले से मामला जो हैं वो कोई कोर्ट कचहरी का शिकार हैं तो इसमें भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा होप्स जो हैं वो नहीं रखनी चाहिए। तो इस हवाले से सूरत हाल जो है वो कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ रहें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट जो है ये भी होना आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा आपका हम लोग नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजिशन देखें तो आपका जो दूसरा रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून है इसकी 9 और 10 मई को सन के साथ तस्दीस की एक अच्छी नज़र बनने जा रही है, जिसकी वजह से आपकी फिज़िकल सेंसिटिविटी जो है ये थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको अपना सेहत जिस्मानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ख्वाहिशात जो हैं आपकी ज़ात में जन्म लेती हुई नज़र आ रही हैं और ख्वाहिशात का जन्म लेना जो है ये आपके अखराजात में भी इजाफे का बाइस हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा बेहतर तौर के ऊपर पहले से मॉनिटर और बेहतर तौर से प्लान आउट करने की ज़रूरत है कि आपको अपने अखराजात जो हैं उनको किस तरह लेके चलना है, क्योंकि ख्वाहिशात बढ़ रही हैं तो अखराजात जो हैं ये भी यकीनी तौर के ऊपर आपके यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ आप में चीज़ों को डिक्योर करना, चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर प्रेजेंटेबल बनाना, चाहे वो काम की सूरत में हो, प्रेजेंटेशंस की सूरत में हो, चाहे आप खतूने खाना है तो आपकी घरदारी की सूरत में हो, किचन की सूरत में हो, किसी भी सूरत में जो है चीज़ों की डेकोरेशन या उनको बेहतर सूरत में प्रेजेंट करना जो है ये आपके मिजाज का खासा रहता हुआ नज़र आएगा।
नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजीशन आप लोगों की बनने जा रही है 10 और 11 मई को, जो कि जुपिटर वीनस जोहरा की एक बहुत ही खूबसूरत नज़र है। और इस अच्छी और ख़ूबसूरत नज़र की वजह से आपके सखावत, दोस्ती, हल्का अहबाब, रोमानवी मामला, तमाम चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी और खुश आइंद होती चली जाएंगी। और स्पेशली इन्हीं दो अयाम में आप कुछ ऐसी तकरीबात या कुछ तकरीबात का हिस्सा या उनका इनेकाद कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे अहबाब आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए नज़र आएंगे जो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाएंगे। और ऑलरेडी आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी कोई पार्टनरशिप के हवाले से हो, आपकी कोई इज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, या आपके कैरियर के हवाले से हो, तमाम सूरतों में आपको यकसर तौर के ऊपर बेहतरी और खुश आइंद तब्दीलियाँ जो हैं वो यकीनी तौर के ऊपर मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेटरी पोजिशन अगर हम लोग आपकी देखें तो वो बनने जा रही है 16 और 17 मई को, जिसमें नेपच्यून जो है ये मरकरी के साथ तजदीस करेगा। नेपच्यून मरकरी तजदीस की ये एक अच्छी नज़र है जिसमें आपका तखय्युल जो है उसको आप प्रैक्टिकली तौर के इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, आप हकीकत का रंग भर सकेंगे अपने ख्वाबों को। ये चीज़ आपके अंदर एक उभरती हुई नज़र आएगी जिसकी वजह से आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ माइंड है ये बहुत ज़्यादा बेहतर, क्लियर, और आपकी जो एप्रिसिएशन है दूसरों की जानिब से ये भी बढ़ेगी जब आपकी क्वालिटीज़ जो हैं उनके सामने निखर के सामने आएंगी और आपके अंदर ये चीज़ पनप सकेगी कि आप अपने तखय्युल को हकीकत का रंग भर सकें। इसके अलावा वुसत नज़री और वुसत कल्बी दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर और मुनफरद मुकाम जो है ये रखते हुए नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो मंथ का इख्तिताम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहेगा, क्योंकि मंथ ऑफ मई का जो इख्तिताम है ये तीन अहम नज़रात के ऊपर हो रहा है, जिसमें कि नेपच्यून तरबी कर रहा है मरकरी के साथ, और नेक्स्ट वेरी डे जो है 31 मई को नेपच्यून जो है तजदीस कर रहा है वीनस के साथ। ये दो मिलीजुली नज़र एक अच्छी और एक ख़राब, और इसके साथ साथ आपका जो रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है ये मुकाबला कर रहा है मरकरी के साथ। तो दो ख़राब नज़र और एक अच्छी नज़र का जो मिलाप होने जा रहा है मंथ ऑफ मई के एंड पे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात कुन है, क्योंकि मंथ ऑफ मई का जो एंड है ये चीज़ डिसीजन करेगी कि आपका मंथ ऑफ जून जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है वो आपका कैसा गुजरेगा। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए आपको पहले से चीज़ों को प्लान आउट करने की ज़रूरत है कि मंथ का जो एंड है उसमें कुछ मिले जुले असरात जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। आप जो दूसरों को समझाना चाह रहे हैं या दूसरे जो हैं वो आपसे तवक्को कर रहे हैं उसके मुताबिक चीज़ें आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आपका क्लैश ऑफ ओपिनियंस दूसरों के साथ, राय जो है वो आपकी ना मिलना, या आपकी सोच मिजाज जो है वो उस मुताबिक ना होना जितना दूसरे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितना रियलिस्टिक अप्रोच के मुताबिक आपका होना चाहिए, ये चीज़ें जो है आपको पहले से थोड़ा सा प्लान आउट करने की ज़रूरत है कि आपका इंट्रैक्शन जो है वो दूसरों के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। इस इंट्रैक्शन को बेहतर करने के लिए कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी चीज़ें जो हैं उनको शेयर करें, बजाय इसके कि आप अपनी ज़ात तक उनको महदूद कर दें, ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और कोशिश करें कि आपका जो पहला सोच है, पहला डिसीजन, ये पहली सोच उसके ऊपर रहें। जब आपके डिसीजंस और चीज़ों को चेंज करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, ख्वाह वो लाइफ के किसी भी फेज या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। इसके अलावा आपकी जो डिज़ायर है, ख्वाहिशात जो आपके अंदर जन्म लेती हुई नज़र आ रही हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा सा बेहतर तौर के ऊपर शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि जब आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो फुलफ़िल हो सकें। जब ये चीज़ आप अपने माइंड को समझा लेंगे कि ख्वाहिशात का जन्म लेना और चीज़ है और उनका फुलफ़िल होना जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो इस चीज़ से भी आप अपने मेंटली तौर के ऊपर जो कश्मकश है उससे भी आप बाहर निकल आएंगे और रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ रहेंगे, तो चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक मुस्बत और खुश आइंद रहेंगी। जी व्यूअर्स, ये था आप लोगों का मंथली होरोस्कोप एरिस से लेके पाइसिस तक। उम्मीद है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, AQ यूट्यूब वेब टीवी चैनल के इस प्लेटफॉर्म से, आप लोगों ने अपने मंथ को बेहतर तौर के ऊपर पहले से प्लान आउट करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारी अच्छी तजावीज़ और चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन कर ली होंगी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप लोगों को लगे कि कोई चीज़ हम लोग लैक कर गए हैं या आप लोगों को चीज़ जो है वो मज़ीद और ज़्यादा जाननी है, तो मेरा जो नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या डायरेक्टली कॉल करके, और आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें लाहौर, कराची, पिंडी तीनों शहरों में आप मुझे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से मुझे कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के हवाले से मंथ ऑफ
जून के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी आखिरी अशरे ऑफ रमज़ान में। और तब तक के लिए रमज़ान की जो दुआएं हैं उनकी जो इबादत हैं उनमें हमारी इस टीम को हमारी इस काविश को और हमारे इस प्लेटफॉर्म को इवन अपने इस दोस्त अपने एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी को याद रखिएगा अपनी दुआओं में अपनी इबादात में। और अल्लाह ताला जो है आप लोगों को मज़ीद इसकी तौफीकात दे कि आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर के ऊपर अप्लाई करने के लिए अपने तवक्कल को मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और फिर इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है इंशाल्लाह बेहतर अप्रोच और फीडबैक देगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए AQ Web TV चैनल की टीम को। अल्लाह हाफ़िज़।